हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, IIT, JEE, NEET, SSC, बैंक, रेलवेज जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एडुकेटर फॉर क्लास 12th। क्लास 12th इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस IP बुक कोड 065 का आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर सॉल्यूशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम पेपर 4 को। यस स्टूडेंट्स, पेपर 3 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। CBSE का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर आया था वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप सारे सैंपल पेपर को एक्सेस कर सकते हो और अपने बोर्ड एग्जाम में 70 में से 70 मार्क्स को लेकर आ सकते हो। सो सैंपल पेपर्स की यदि बुक्स आपको चाहिए या ई बुक्स यदि आपको एक्सेस करनी है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गूगल फॉर्म आप फिल कर सकते हो और आप सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर, MCQ या फिर किसी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज नोट्स या वीडियोस को एक्सेस करना चाहते हो बुक या ई-बुक के फॉर्मेट में, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई-बुक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को विद द पेपर 4 ऑफ क्लास आईपी, क्लास 12th आईपी सैंपल पेपर के साथ। अब सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम, जैसे आपके हाथ में बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा तो आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है। जरूरी नहीं कि आईपी के सब्जेक्ट में आपके पास जिस भी सब्जेक्ट का पेपर होगा, आपका हर पेपर में सबसे पहला काम होता है इंस्ट्रक्शंस को एक बार देख लेना, एक नज़र उस पर डाल लेना, ताकि जिससे आपको समझ में आ सके कि पूरे पेपर में कितने सेक्शन से कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं, कहाँ चॉइसेस हैं, किस पैटर्न पर आपका पेपर बना हुआ है, कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है। क्योंकि प्रीवियस ईयर तक सेक्शन C या D ही हुआ करते थे। इस बार से बोर्ड एग्जाम में आपका जो बोर्ड पेपर होने वाला है उसमें आपको 5 सेक्शंस मिलेंगे। सेक्शन E को इस बार से ऐड किया गया है। मार्किंग स्कीम में भी थोड़ा सा चेंजेस हैं जो कि हम प्रीवियस सैंपल पेपर से अभी तक देखते आ रहे हैं। तो वही जनरल इंस्ट्रक्शन से एक बार और हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो आपका पेपर होगा 3 आवर्स का, जैसे बाकी सारे पेपर्स होते हैं। फाइन, आफ्टर दैट आपको मिलेंगे यहाँ पर 3 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स, जितने मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है वो है 70 मार्क्स। चाहते हो 70 में से 70 लाना तो एंड तक इस वीडियो में बने रहना, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यस, सो सबसे पहली बात तो आपके इस पेपर में मिलेंगे आपको 5 सेक्शन, सेक्शन A, B, C, D एंड D। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस कंपलसरीली अटेम्प्ट करना है। 35 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और पूरे के पूरे 35 अटेम्प्ट करके ही आना है। मान के चलो जब 35 अटेम्प्ट करके आओगे पूरे क्वेश्चंस, तो यहाँ पर आपके 90 में से 100 आने के चांसेस होते हैं, मतलब कि पूरे 70 मार्क्स लाने के चांसेस हैं। क्योंकि 30 मार्क्स का तो आपका प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल में तो आप निकल जाओगे क्योंकि सारे प्रैक्टिकल वीडियोज अवेलेबल है। फिर से बता दूं, पूरा कोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारे चैप्टर के वीडियोस, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, वन शॉट MCQs, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट आंसर टाइप, जिस पैटर्न पे आपका पेपर बेस्ड है, सब चीजें अवेलेबल है। 4 सैंपल पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। राइट नाउ सेक्शन A हैव 18 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। सेक्शन A में आपको कितने मिलेंगे? 18 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, 1 मार्क के अकॉर्डिंग। अब ध्यान रखना यहाँ कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे अभी तक हमने बाकी सैंपल पेपर्स में देखा कि 1 से लेकर 18 तक आपको 1 चॉइस वाले आंसर अटेम्प्ट करना है। 4 ऑप्शन रहेंगे, 1 क्वेश्चन को आपको टिक करके आना रहेगा। 16 तक तो ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन 17 और 18 वाला जो क्वेश्चन रहेगा, 17, 18 क्वेश्चन, उसमें आपको असर्शन, रीजन बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फाइन, 2 ही क्वेश्चन आएंगे AR बेस्ड, जो इसी साल से ऐड किए गए आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में, ठीक है। नाउ सेक्शन B हैज 7 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क ईच। अब सेक्शन B जो है उसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने हैं। ये सेक्शन A की बात हो गई। सेक्शन B में आपको करना है 7 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जिसमें कितने मार्क के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे? आपके 2 मार्क के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हो जाएंगे। फाइन, समझ में आ गया अच्छे से? सो सेक्शन A, B में क्या मिलेगा ये हमें क्लियर हो गया। टोटल 35 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 घंटे मिलेंगे, 70 मार्क्स का पेपर होगा जो आपको सॉल्व करके आना है। सेक्शन C में आपको 5 शॉर्ट आंसर मिलेंगे, जिसमें आपको सॉल्व करना है पूरे क्वेश्चंस और 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग होंगे। सो सेक्शन C जो होगा आपका वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का होगा। 5 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स ईच के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। मतलब तीन मार्क के अकॉर्डिंग आपको सफिशिएंटली 7 से 8 लाइन लिखकर आना है। अब ये जो 2-3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें जनरली कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बता देती हूँ आपको। डेफिनेशन आती है, एग्जाम्पल आते हैं, कुछ 2 फीचर्स 3 फीचर्स लिख दो, फीचर्स पे बेस्ड आता है, एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, जो ये क्वेश्चन है ना यही बनते हैं 2-3 मार्क्स में, राइट। अब इसके अलावा क्योंकि हम इस पर्टिकुलर आईपी में प्रैक्टिकल्स भी कर चुके हैं तो कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी 2-3 मार्क्स में बन जाते हैं कभी कभी। जैसे कि हम बात कर ले, आपको क्वेरी दे दी, आउटपुट बता दो, या आपको क्वेरी दी हुई है उसके लिए आपको एसक्यूएल कमांड लिखनी पड़ेगी, राइट। सो सीरीज़ को कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करते हैं, उनके जो हमने एट्रीब्यूट्स और मेथड्स पढ़े ना उन पर बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जा सकता है 2-3 मार्क्स में। सो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस बनेंगे ना आपके वो 2-3 मार्क्स में बनेंगे, और किस तरीके से बनेंगे वो मैंने आपको बता दिया। प्रीवियस सैम्पल पेपर्स में हम यही सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं कि 2-3 मार्क्स में जो क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर से आ रहे हैं और किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। सो आज के सैम्पल पेपर में भी हम बिल्कुल वही क्वेश्चन देखने वाले हैं, किस नए तरीके से पूछे हुए हैं वो देखेंगे हम। फाइन, नाउ सेक्शन डी पे आ जाए तो 3 लॉन्ग आंसर मिलना है, तो सेक्शन डी आपका लॉन्ग आंसर टाइप होगा। सेक्शन डी, अब लॉन्ग आंसर टाइप में 3 क्वेश्चंस मिलेंगे जो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग होंगे। ध्यान से देख लो, लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग होंगे, और लॉन्ग आंसर में आपको थियोरिटिकल क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से, क्वेरी है, आउटपुट बताना है, क्वेरी कमांड लिख कर आना है, क्वेरी के अकॉर्डिंग टेबल दी रहेगी बाकायदा, उस टेबल पर बेस्ड आपको 5 कुछ क्वेरीज को अटैम्प्ट करना है। डेटा फ्रेम पे आ जाए तो डेटा फ्रेम गिवन दी रहेगी, कुछ ऑपरेशंस होते हैं डेटा फ्रेम के, कैसे क्रिएट करना है, कौन सा एट्रीब्यूट्स है, कौन सी मैथड्स है, किस तरीके से अप्लाई करोगे, ये भी प्रैक्टिकल बेस्ड ही होगा। कंप्यूटर नेटवर्क सोसाइटल इम्पैक्ट वाले चैप्टर पे आ जाए तो वहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर किस तरीके से मिलेगा हमने देखा था प्रीवियसली सैम्पल पेपर से, देखते आ रहे हैं कि एक नेटवर्क फॉर्म करना है किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसमें कितने कंप्यूटर्स लगेंगे, कौन से टोपोलॉजी यूज़ करोगे, किस तरीके की वेब सर्विसेज का यूज़ किया जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे 5 मार्क्स में, तो ध्यान रखना है। अब 5 मार्क्स की खासियत सिर्फ इतनी है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन डी में जो आपका 4 चैप्टर मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी वाला, जिसमें हमने सीखा था कि कैसे बार और चार्ट ग्राफ बनाए जाते हैं, उसका एक क्वेश्चन यहाँ जरूर पूछा जाएगा। बाकी पूरे पेपर में उस चैप्टर का कहीं जिक्र नहीं है, 5 मार्क्स में ही वो क्वेश्चन उस चैप्टर से बनेगा, सिर्फ एक क्वेश्चन। तो 5 मार्क्स के हिसाब से ही बार चार्ट, ग्राफ चार्ट वाले चैप्टर से मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को कर लेना अच्छे से, 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही बनेगा, ठीक है। हर सेक्शन में मैंने ये चीज़ आपको बताई है, हर सैम्पल पेपर में मैंने ये चीज़ आपको एक्सप्लेन की है। सेक्शन ई विच इज द लास्ट सेक्शन ऑफ योर पेपर, जो इस साल से ऐड किया गया है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके केस बेस्ड होंगे, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। एक कंडीशन, एक एप्लीकेशन दी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है उस कंडीशन को, और फिर कुछ 5-6 क्वेश्चंस उस पर बेस्ड रहेंगे, उनके आंसर्स जस्ट आपको करने हैं। सो यहाँ पर देखो क्या मिलेगा आपको, इंटरनल चॉइस भी मिल जाएगी, फाइन, और 4 मार्क के अकॉर्डिंग आपको 2 क्वेश्चंस यहाँ पर अटैम्प्ट करने हैं। ऑल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। अब जितने भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस होंगे वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज में लिखना है जिसमें हमने पढ़ा है, जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग जो आपके सिलेबस में है। भले ही आपको C++, जावा जैसी लैंग्वेजेस आती हो या नहीं भी आती हो, तो हमें तो सिर्फ पाइथन में ही कोड लिख कर आना है, क्योंकि हमें पूरे 70 में से 70 मार्क्स चाहिए। फाइन, चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का पेपर with the section number A, that is 1 mark each question is here. First question क्या है यहाँ पर? Switch is a broadcast device, unicast device, multicast device, none of these. स्विच कैसा डिवाइस होता है? तो इंटरनेट एंड वेब वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है आपका। प्रीवियस सैंपल पेपर में हमने यही सेम क्वेश्चन हब इज अ, हब कैसा डिवाइस होता है उससे समझा था। सो अब तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा, यदि आपने प्रीवियस सैंपल पेपर से इंटरनेट एंड वेब वाला चैप्टर मुझसे समझा है, मेरी वीडियोस देखी हैं, तो हब और स्विच में क्या डिफरेंस है, इन्हें हम और किस नाम से जानते हैं? फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। हब और स्विच 2 नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं। हब को रिप्लेस किया है स्विच ने। यदि आप नेटवर्किंग में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना चाहते हो, नेटवर्क में कनेक्ट करके उन्हें आपस में कम्युनिकेट करवाना चाहते हो, तो इसके लिए हम हब और स्विच का यूज़ करते हैं। अब हब का एक लिमिटेशन ये है कि जब डेटा वहाँ से ट्रैवल होता है हब वाले स्विच से, सोर्स से डेस्टिनेशन तक, तो सभी जो भी डेटा होता है वो सभी कंप्यूटर्स तक पहुँचता है, इसलिए हब को हम ब्रॉडकास्ट डिवाइस कहते हैं। और डेटा के कोलाइड होने के चांसेस भी होते हैं यदि एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स डेटा ट्रांसफर करते हैं तो। लेकिन स्विच ने इसी लिमिटेशन को ओवरकम किया कि स्विच को ये पता होता है कि किस कंप्यूटर सिस्टम ने नेटवर्क में कनेक्टेड किस कंप्यूटर सिस्टम ने डेटा ट्रांसफर किया है और किस कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाना है। मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन स्विच को पता होता है तो सभी कंप्यूटर्स तक डेटा नहीं पहुंचता है और यहाँ डेटा कोलाइड होने के चांसेस भी कम रहते हैं क्योंकि सोर्स और डेस्टिनेशन पता होता है कि किस कंप्यूटर सिस्टम से डेटा ट्रांसफर करना है और कहाँ तक पहुँचाना है। सेंडर रिसीवर क्लियर रहता है। पैकेट्स को फिल्टर करने का काम भी स्विच का होता है। दैट्स व्हाई इसे हम कहते हैं यूनिकास्ट डिवाइस क्योंकि सोर्स सिस्टम से डेटा ट्रांसफर होगा कहाँ तक, डेस्टिनेशन तक, चाहे नेटवर्क में कितने भी कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड हो। यदि नेटवर्क में यहाँ पर कुछ और कंप्यूटर्स भी कनेक्टेड हैं तो भी सोर्स यदि डेस्टिनेशन पता है तो डेटा यहीं ट्रांसफर होगा। ठीक है, सो यूनिकास्ट डिवाइस हम स्विच को बोलते हैं। डेटा कोलाइजन के चांसेस भी यहाँ पर कम हो जाते हैं। लेकिन यदि हब का पूछा जाता है तो हम हब को बताते हैं ब्रॉडकास्ट डिवाइस। अब स्विच को और क्या बोलते हैं? मल्टीपोर्ट ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, इंटेलिजेंट हब के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपोर्ट ब्रिज, इंटेलिजेंट हब भी आया होता, सपोज यहाँ पर लिखते हैं इंटेलिजेंट हब, मल्टीपोर्ट ब्रिज, तो आपका ऑल ऑफ द अबव भी क्वेश्चन बन सकता था। फाइन, ये भी ध्यान रखना, कुछ भी पूछा जा सकता है क्योंकि स्विच को हम 2-3 नाम से जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, A software that can be freely accessed and modified is called, वो सॉफ्टवेयर जिसको आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो, उसको कॉपी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ईजिली, उस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? सो सोसाइटल इंपैक्ट वाले चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स को पढ़ा था। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। उस टाइप के सॉफ्टवेयर को आप सिंक्रोनस सॉफ्टवेयर कहते हो, पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हो या मिडिलवेयर कहते हो। सो हमने बहुत अच्छे से समझा था, उस सॉफ्टवेयर को हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओपन सोर्स, ओपन मतलब जो पब्लिकली अवेलेबल है और जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज में बनाया गया सॉफ्टवेयर है उसका प्रोग्रामिंग कोड, उसका सोर्स कोड आपको फ्रीली एक्सेस होता है। जिसके एग्जांपल में हमने मोजिला फायरफॉक्स, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों को देखा था, राइट? उसको आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो बिना किसी कॉस्ट के, उसके कोड में चेंजेस कर सकते हो यदि आपको उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में नॉलेज है तो। ठीक है, बाकी आप उसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। दैट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में छप चुका है, ये मान के चलो। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके एग्जाम्पल को पता कर लो, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यूज में, डेफिनेशन में एग्जाम्पल इसके पूछे जा सकते हैं, है ना? ऐसे क्वेश्चंस इस पर बन जाते हैं बेसिकली। फाइन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म साइबर क्राइम? साइबर क्राइम क्या होता है, क्या समझते हो आप? कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इंटरनेट टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं, जितना एडवांटेज आपको प्रोवाइड कर रहा है टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, जिसकी मदद से आपकी सारी सर्विसेज आप एक्सेस कर पा रहे हो घर बैठे 24/7 आवर्स, सो वहीं इंटरनेट के कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। उतने ही तरीके से, उतनी ही ज़्यादा स्पीड से साइबर क्राइम जैसी चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, ये हम सभी को अच्छे से पता है। सो आप साइबर क्राइम से हम सभी अवेयर हैं। वो क्राइम जो इंटरनेट की मदद से हो रहा है, जिससे कहीं ना कहीं लोग हर्ट होते हैं, उनका डेटा स्टील हो जाता है, कुछ हैकर्स होते हैं जो अटैक कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ वायरस वेबसाइट्स होती हैं, मैलिशियस वेबसाइट्स होती हैं, जिन पर गलती से क्लिक करने से, लिंक पर क्लिक करने से आपका सिस्टम का पूरा डेटा लॉस्ट हो सकता है, राइट? ऐसे कुछ केसेस हम देखते हैं, राइट? सो साइबर क्राइम के बारे में तो काफी हद तक हमें आइडिया लग गया। अब इनके ऑप्शंस देख लें और बता दें जल्दी से कौन सा करेक्ट है। सो एनी क्राइम दैट यूजेस कंप्यूटर्स टू जियोपार्डाइज और अटेम्प्ट टू जियोपार्डाइज नेशनल सिक्योरिटी, वो क्राइम जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है, जो कंप्यूटर्स नेशनल सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। द यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क टू कमिट फाइनेंशियल और आइडेंटिटी फ्रॉड, फाइनेंशियल और आइडेंटिटी फ्रॉड को जो कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर्स कमिट कर लेते हैं, कुछ ऐसे भी हैकर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो। द थेफ्ट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, आपके डिजिटल इंफॉर्मेशन को चुराने का डर। एनी क्राइम दैट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क, या वो क्राइम जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क इन्वॉल्व होते हैं। सो ये सब तो आपके एप्लीकेशंस हो गए, किस किस तरीके के क्राइम हो सकते हैं। बट यहाँ पे हमें साइबर क्राइम का मतलब पूछा है। देखो, ये जो मैंने बताए फर्स्ट 3 ऑप्शंस, ये उसके एप्लीकेशंस हो गए कि किन किन टाइप के क्राइम्स हो रहे हैं आजकल साइबर क्राइम, एग्जांपल्स हो गए। समझ में आई मेरी बात? आपको यहाँ पे पूछा है डेफिनेशन, तो डेफिनेशन यदि देखी जाए सो डी इज द करेक्ट आंसर। एनी क्राइम दैट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क, वो क्राइम जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क इन्वॉल्व होता है, वो क्या कहलाता है? आपका साइबर क्राइम, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कभी भी साइबर क्राइम की डेफिनेशन आएगी ना तो ये नहीं लिख कर आना है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल से, जैसे कि मैंने समझाया आपको स्टार्टिंग में, जनरली साइबर क्राइम की बात आती है तो हम उसके एग्जाम्पल पे पहुंच जाते हैं, राइट, बट ऐसा नहीं है। ऑप्शंस बहुत ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट्स, ओके, और फिर ही करेक्ट आंसर टिक करके आना, और क्वेश्चन ध्यान से देखना, व्हाट इज मिंट बाय द साइबर क्राइम। ओके, सो मिंट मतलब कि डेफिनेशन आपको यहाँ पर टिक मार्क करके आनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं चारों ऑप्शंस आपस में बहुत मिलते जुलते हैं, बट ये रिकॉग्नाइज कर पाना कि ये तीन ऑप्शंस नहीं है, इसका आंसर करेक्ट आंसर डी है। फाइन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल? अब एसक्यूएल को कौन नहीं जानता, डेटाबेस के लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज जो होती है वह एसक्यूएल होती है, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। जैसे कि आपने अपने सिलेबस में माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर को देखा जिसमें आपने एसक्यूएल कमांड्स को यूज़ किया, राइट। सो जब डेटाबेस क्रिएट करना होता है तो आप डेटाबेस पर बेस्ड सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो, जिसमें आपके सिलेबस में माई एसक्यूएल है जिसका हमने यूज़ किया, जिस पर हमने एसक्यूएल कमांड्स के फॉर्मेट में डेटाबेस टेबल्स क्रिएट किया, फाइन, डेटा को स्टोर करवाने के लिए। तो उसी एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लिस्ट, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, नन ऑफ द अबव। यहाँ भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है यदि फुल फॉर्म याद नहीं होता है, तो ध्यान रखो उसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब आज जो मैं फुल फॉर्म बता रही हूँ ना, ये कभी भूलने वाले नहीं हो आप लाइफ में। क्यों? देखो, सबसे पहली बात तो जब भी कोई डेटा पैराग्राफ में लिख दिया जाता है या कैसे भी लिख दिया जाता है तो समझ नहीं आता है, लेकिन जब आप उसको प्रॉपर टेबल में बनाकर एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखते हो, प्रॉपर आप हेडिंग डालते हो और फिर नीचे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हो, तो वो डेटा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है ना। तो एसक्यूएल का पहला क्या हो गया? स्ट्रक्चर्ड। एस का क्या फुल फॉर्म हो गया? स्ट्रक्चर्ड। अब टेबल में से डेटा एक्सेस करना है तो जनरली हम कैसे एक्सेस करेंगे? भाई इस टेबल में कितने रिकॉर्ड है, या फिर ए नाम से जितने स्टूडेंट है वो कितने स्टूडेंट है क्लास में। सपोज आपने स्टूडेंट नाम का एक टेबल बनाया, अब टीचर को उस टेबल से डेटा को एक्सेस करना है। सो ए नाम के स्टूडेंट के रिकॉर्ड चाहिए, उन स्टूडेंट की डिटेल चाहिए जिनके मार्क्स 90 से ज़्यादा आ गए, है ना, उन स्टूडेंट की डिटेल चाहिए जो कि दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने ऑप्शनल आईपी लिया हुआ है। ये जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ क्या है? ये सब क्वेश्चंस है, क्वेरीज है। तो इसी तरीके की क्वेरीज को आप यदि एक्सेस करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो टेबल वगैरह, तो उसके लिए हम यहाँ पर जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वो एसक्यूएल, तो क्यू फॉर क्वेरी और एल फॉर लैंग्वेज। सो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, ये दो वर्ड आपको याद रखना है क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। सिंपल क्वेरी बोलता है कोई, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लिस्ट कहता है क्योंकि टेबल वगैरह क्रिएट करते हैं। भाई लिस्ट क्रिएट नहीं करते हैं ना, सिंपल, इट्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। फाइन, सो जब भी टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को आपको मेंटेन करना है और क्वेरी के फॉर्मेट में टेबल में से डेटा एक्सेस करना है, सो उसी को हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नाउ Fifth, which of the following keywords will you use in the following query to display all the values of the column department name? ध्यान से समझो, इसी तरीके का एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस सैम्पल पेपर में भी एक्सेस किया था, जिसमें हमने देखा था क्या, इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगी, ठीक है, ताकि इसका आंसर आप जज कर पाओ। फाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड, अब ये ऑप्शंस में कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, विल यू यूज इन द फॉलोइंग क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल दी वैल्यूज। बहुत ध्यान से समझो, टू डिस्प्ले ऑल दी वैल्यूज ऑफ द कॉलम डिपार्टमेंट नेम, मतलब कि कोई टेबल है, सपोज हम एम्प्लॉय यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपनी टेबल की बात कर रहे हैं, फाइन, कंपनी टेबल है। आप कंपनी टेबल में एम्प्लॉयज की डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय का आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, डिपार्टमेंट नेम है, ठीक है, ये सपोज है कि फर्दर एम्प्लॉय है, उसका आईडी, उसका नेम, और वो डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है। आप डिपार्टमेंट के नाम कुछ इस तरीके से कंपनी के, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, ये चीज क्लियर हुई। अब एक से ज़्यादा एम्प्लॉय एक सेम डिपार्टमेंट में वर्क कर सकते हैं यहाँ पे, सो सपोज ये पहला एम्प्लॉय और लास्ट वाला एम्प्लॉय, ये दोनों अकाउंट डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, इसी तरीके से कुछ सेल्स में, परचेज में। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले करवाना है ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज आपको डिस्प्ले करवानी है डिपार्टमेंट नेम की, ये डिपार्टमेंट नेम की सभी वैल्यूज आपको डिस्प्ले करवानी है। तो सभी वैल्यूज डिस्प्ले करवानी है तो हम क्या क्वेरी लिखेंगे? सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम वाला कॉलम तो लिख दिया फ्रॉम कंपनी, अब सभी वैल्यू सिलेक्ट करवानी है तो यहाँ पे आप कौन सा कीवर्ड लिखोगे? ऑल, फ्रॉम, डिस्टिंक्ट या नेम, कौन सा कीवर्ड का हम यहाँ पर यूज करेंगे? नेम तो कीवर्ड कोई है नहीं, उसका तो हम यूज करते हैं नहीं। फ्रॉम ऑलरेडी यूजेज है, जब टेबल से, किस टेबल से डेटा को एक्सेस करना है तो फ्रॉम यूज कर लेते हैं, सो वो भी नहीं होगा। ऑल एंड डिस्टिंक्ट, तो नाम से क्लियर है, डिस्टिंक्ट का मतलब यूनिक, है ना, विदाउट ड्यूप्लीकेशन आप रिकॉर्ड को एक्सेस करते हो, और ऑल का मतलब विथ ड्यूप्लीकेशन, यदि आपको पूरा डेटा एक्सेस करना है तो ऑल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। सो आउटपुट में क्या मिलेगा, ये पूरा कॉलम आपको मिलेगा एज इट इज, 2 बार 3 बार अकाउंट लिखा हुआ, सेल्स लिखा हुआ, परचेस लिखा हुआ, जितनी बार लिखा हुआ है पूरा डेटा एक्सेस होगा। लेकिन यही क्वेश्चन हमने प्रीवियस सैंपल पेपर में एक्सेस किया था डिस्टिंक्ट क्लॉज के थ्रू, ऑल दी वैल्यूज की जगह यहाँ पे लिखा हुआ था यूनिक वैल्यूज। सो उसके लिए जिस कीवर्ड का यूज करते हैं वो होता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ अकाउंट, सेल्स और परचेस 3 ही वैल्यू मिलेगी। समझ में आई मेरी बात? ये ड्यूप्लीकेशन नहीं मिलेगा, ये रिपीटेशन नहीं मिलेगा। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे विदाउट ड्यूप्लीकेशन। सो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? क्या समझाया मैंने? ये क्वेश्चंस इस तरीके के ही एग्जाम में आते हैं। ये मैंने इसीलिए सैम्पल पेपर, नेक्स्ट सैम्पल पेपर में रखा है ताकि आप इनको डिफरेंशिएट इजिली कर सको। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ऑल विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज ऑफ एनी कॉलम। क्लियर? What is the example of e-waste? अब e-waste का क्या एग्जाम्पल होता है? e-waste का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, है ना? सो e-waste का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी बनता है। e-waste पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में 100% आएगा, मान के चलो सोसाइटल इम्पैक्ट वाले चैप्टर से, ठीक है। सो अ राइपन बनाना, एन ओल्ड कंप्यूटर, ओल्ड क्लॉथ्स, एम्प्टी सोडा कैंस। अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात हो रही है तो राइपेंट बनाना कोई इलेक्ट्रॉनिक है क्या? नहीं। ओल्ड क्लॉथ्स भी नहीं है, एम्प्टी सोडा कैंस भी नहीं है, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं है। ई वेस्ट मतलब कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक जितने डिवाइसेस होते हैं उनके वेस्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, उनको कैसे रिसाइकल रीयूज किया जा सके ताकि वो यूजर्स को या जो नॉर्मल ह्यूमन से उनको हार्म ना कर सके, ठीक है। सो यहाँ पर हम ओल्ड कंप्यूटर्स, सीडीज, पेन ड्राइव्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, इन्हीं की बात करते हैं, ठीक है। ओल्ड कंप्यूटर जो डिवाइसेस होते हैं उनमें जो अटैच होने वाले एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं उन सभी की बात करते हैं ई वेस्ट में, कि कैसे इन्हें मैनेज किया जा सके और इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, किस तरीके से रिसाइकल रीयूज करना चाहिए, गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है, ये सब हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस किया था। ओके, नाउ 7th question, which of the following function returns the position of a substring in a given string? MySQL chapter का functions पर based पहला question यहाँ पर क्या बताया? लास्ट सैम्पल पेपर से, यदि आपने मेरे सैम्पल पेपर्स देखे हैं तो आपको अब इतना आइडिया लग चुका होगा कि आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होने वाला है उसमें MySQL में से क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सो प्रीवियसली सैम्पल पेपर्स में भी बताया है, फिर से एक बार बता रही हूँ आपको कि MySQL फंक्शंस हमें बहुत अच्छे से कर लेने हैं। MySQL फंक्शंस, क्वेरिंग यूजिंग SQL फंक्शन वाले चैप्टर में से कौन कौन से फंक्शन इंपॉर्टेंट हैं वो मैं अभी तक सैम्पल पेपर्स में बता चुकी हूँ, और हर एक सैम्पल पेपर में आपको वो फंक्शंस दिखेंगे अलग अलग तरीके से पूछे हुए, है ना। सो कौन कौन से फंक्शन? बेसिकली फंक्शंस 2 टाइप के हैं, जैसे कि मैंने बताया, सिंगल रो फंक्शन एंड मल्टीपल रो फंक्शन। फाइन, सिंगल रो फंक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? स्केलर फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। मल्टीपल रो फंक्शन को हम एग्रीगेट फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, ये इन नाम से भी फंक्शन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शंस का साइन होता है पैरेंथेसिस, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। स्केलर फंक्शन या सिंगल रो फंक्शन में हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस देखे थे, जैसे कि हमने यहाँ पे न्यूमेरिक फंक्शन देखे थे जिसे हम मैथ फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, फिर हमने टेक्स्ट फंक्शन या फिर हम इसे स्ट्रिंग फंक्शन भी कहते हैं। तो किसी भी नाम से मिलेगा ध्यान रखना, ठीक है, सिमिलर होता है। नेक्स्ट आपका डेट एंड टाइम फंक्शन, ठीक है। तो ये 3 टाइप से सिंगल रो फंक्शन होते हैं। एग्रीगेट फंक्शन बस 5 होते हैं, सिर्फ 5। इन 5 को अच्छे से समझ लो तो एग्रीगेट फंक्शन अगर समझ में आ गए तो फिर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा एग्रीगेट है और कौन सा एग्रीगेट नहीं है। पहले तो यही डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, सबसे पहला डाउट, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई कौन सा एग्रीगेट फंक्शन है कौन सा नहीं है, यहीं पर डाउट बनता है। ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं, राइट। सो एग्रीगेट फंक्शन जो बताने जा रही हूँ ये याद कर लेना, जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। सो सम, एवरेज, मिन, मैक्स और काउंट, ये क्या हो गए आपके एग्रीगेट फंक्शन हो गए। अब इन्हें एग्रीगेट क्यों कहते हैं, उन्हें सिंगल रो क्यों कहते हैं, इन्हें मल्टीपल रो क्यों कहते हैं, ये भी डिफरेंस समझ लो क्योंकि इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आता है। सो सिंगल रो फंक्शन जो कि एक पर्टिकुलर रो पर अप्लाई किया जाता है, एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू पे जब कोई फंक्शन अप्लाई किया जाता है तो वो सिंगल रो कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेबल में किसी स्टूडेंट का नाम है, स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, उसको कैपिटल लेटर्स में शो करवाना है आपको, तो आप टेक्स्ट और स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करोगे। जो कैरेक्टर्स पर स्ट्रिंग पर अप्लाई होते हैं वो टेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं, जैसे एल केस, यू केस, लेफ्ट, राइट, मिड, एसटीआर, सब स्ट्रिंग, लेंथ, ये जितने फंक्शंस के नाम बताए ना, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रिम, एल ट्रिम, आर ट्रिम के साथ ये क्या हो गए आपके टेक्स्ट और स्ट्रिंग फंक्शन हो गए, जो सिंगल पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग पर, एक कॉलम की किसी एक वैल्यू पर सिंगल रो पे अप्लाई किए जाते हैं। इसी में न्यूमेरिक और मैथ फंक्शन आ गए। न्यूमेरिक मैथ फंक्शन की बात कर लें तो सैलरी किसी एम्प्लॉय की है तो उस सैलरी में आपको क्या करवाना है, उस सैलरी का राउंड ऑफ करवाना है आपको, तो राउंड फंक्शन होता है, पावर कैलकुलेट करवाना है, स्क्वायर रूट करवाना है, साइन चेंज करना है, तो उसके लिए हम न्यूमेरिक फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। तो साइन, राउंड, पावर, SQRT, दिस ऑल आर दी मैथ और न्यूमेरिक फंक्शन विच इज़ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। डेट एंड टाइम, तो डेट एंड टाइम पर जो बेस्ड फंक्शंस होते हैं, अब डेट एंड टाइम जैसे सपोज डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी हुई है एम्प्लॉयज़ की, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग में किस मंथ में, किस ईयर में ज्वाइन किया, तो मंथ नेम, डे नेम, ईयर, करंट डेट, सिस्टम डेट, नाउ, बहुत सारे डेट टाइम फंक्शंस होते हैं जिनके नाम बताए वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया। अब आगे आ जाते हैं एग्रीगेट, तो सिंगल रो, तो जो एक सिंगल कॉलम वैल्यू पे अप्लाई करते हैं वो फंक्शन आपका हो जाता है सिंगल रो फंक्शन, जिसमें टेक्स्ट, न्यूमेरिक और डेट टाइम आता है। एग्रीगेट जो एक से ज्यादा रो पर एक एग्रीगेट रिजल्ट आपको देते हैं, एक से ज्यादा रो मतलब जितनी भी सैलरी दी हुई है एम्प्लॉयज की, सपोज 10 एम्प्लॉय हैं टेबल में, तो 10 एम्प्लॉय की सैलरी का टोटल कैलकुलेट करवाना है, तो पूरे एम्प्लॉयज की सभी रो को एक्सेस किया, सैलरी वाले कॉलम को, एक से ज्यादा कॉलम को एक्सेस किया, सो मल्टीपल रो हो गए फंक्शन। ठीक है, एक से ज्यादा रो को एक्सेस कर रहे हैं ना हम, यहाँ पे सभी एम्प्लॉयज की सैलरी को एक्सेस कर रहे हैं, फिर उसका टोटल किया, फिर एक एग्रीगेट आंसर बना, तो सम। इसी तरीके से एवरेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, मिन, मैक्स, मिनिमम सैलरी कितनी किसकी है, मैक्सिमम सैलरी किसकी है, तो मिनिमम मैक्सिमम में भी तो सभी रोज को रिफर किया जाएगा जब, तो मिनिमम मैक्सिमम निकालोगे आप। काउंट, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एग्जिस्ट करते हैं टेबल में, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो पूरी रो काउंट होगी, राइट। तो काउंट भी, अब काउंट को भी यूज करने के दो तरीके होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी आगे पूरे पेपर में। सो बेसिकली क्वेरिंग यूजिंग एसक्यूएल फंक्शन, इन्हीं पर पूरा चैप्टर बेस्ड है। जो पार्ट मैंने अभी समझाया इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फंक्शन समझा दी, एग्रीगेट फंक्शन की कहानी याद कर लो, तो जितने भी फंक्शन है बाकी वो सब सिंगल रो है। क्वेश्चन इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ अ सब स्ट्रिंग इन अ गिवन स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग में से आपको रिटर्न करवानी है सब स्ट्रिंग की पोजीशन, सो कौन सा फंक्शन यहाँ पर यूज होता है, मिड, इनएसटीआर, सब एसटीआर, कैर। सो यहाँ पर जो फंक्शन यूज होता है पोजीशन रिटर्न करवाने के लिए, पोजीशन मतलब कि इस तरीके से, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा है मैग्नेट ब्रेन्स, ओके, अब इसमें आपको पोजीशन चाहिए किसकी, ब्रेन्स की, तो आप इस गिवन स्ट्रिंग में से इस सब स्ट्रिंग की पोजीशन आपको चाहिए, सो उसके लिए यहाँ पे हम जिस फंक्शन का यूज़ करेंगे, मतलब कि इस गिवन स्ट्रिंग में बी की पोजीशन कहाँ से मिलनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन, क्योंकि यहाँ स्पेस भी काउंट होती है, सो 8 आंसर आपको चाहिए, एक्चुअल 8 से ब्रेन्स मिलना शुरू हो रहा है, उसकी पोजीशन 8 है, सो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इन एस टी आर, स्ट्रिंग में से किसी स्ट्रिंग की पोजीशन फाइंड आउट करवाना है, तो पोजीशन इंटीजर नंबर्स में, न्यूमेरिक नंबर्स में आप एक्सेस करोगे। ठीक है, कौन सा फंक्शन, इन एसटीआर। अब बाकी देखो, मिड और सब एसटीआर का क्या काम होता है, मिड और सब एसटीआर एक ही फंक्शन है, ये क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग को फाइंड आउट करके देंगे जब आप ये पोजीशन स्पेसिफाई करोगे। मतलब यदि आपने यहाँ पर यूज़ कर लिया किसको, यदि यहाँ पर आपने यूज़ कर लिया मिड को या फिर सब एस टी आर को, दोनों में से कुछ भी लिख देना, ठीक है, मिड या सब एस टी आर या फिर सब स्ट्रिंग, ठीक है, इन सब का काम यही होता है, इन फंक्शंस का नाम लिख दिया। और आपने यदि यहाँ पर ब्रेन्स की जगह आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि आपको 8 पोजीशन से सब स्ट्रिंग को एक्सेस करना है, तो जब सब स्ट्रिंग को एक्सेस करना है 8 पोजीशन से, तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पर 8 पोजीशन से, दैट इज ब्रेन्स। सो दोनों में डिफरेंस क्लियर, मिड सब एसटीआर, सब स्ट्रिंग को रिटर्न करता है, इन एसटीआर स्ट्रिंग की पोजीशन को रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू में। ओके, कैर नाम का फंक्शन यहाँ पर इस तरीके का कोई वर्क परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है, आस्की वास्की फंक्शंस होते हैं जो कैरेक्टर्स की वैल्यू रिटर्न करते हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, इन एसटीआर। ध्यान रखना इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और ये जो फंक्शंस है ना, मिड, सब एसटीआर, इन एसटीआर, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हर पेपर में आप देखोगे इसको, प्रीवियस ईयर के कितने भी पेपर उठा के देख लो आप, माइस्क्यूएल पर बेस्ड ये क्वेश्चन तो आपको हर पेपर में मिलेंगे। फाइन, नाउ Which of the following are correct aggregate function in SQL? SQL में कौन सा correct aggregate function है? देखो जो भी previous question में हमने समझा aggregate function की कहानी देखी, कौन कौन से 5 function होते हैं, sum, min, max, count, average, AVG जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे correct aggregate function कौन सा है वो बताना है। तो मैंने आंसर आपको बता दिया है, क्वेश्चन आप देख लो, ऑप्शन देख लो, जल्दी बता दो। एवरेज पूरा लिखा हुआ है, क्या ये जो एवरेज है ये करेक्ट फॉर्म है एवरेज फंक्शन का? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर एवीजे नाम से एवरेज फंक्शन को इन शॉर्ट एक्सेस करते हैं। मिन और मैक्स इसी तरीके से एक्सेस किए जाते हैं। काउंट फंक्शन बिल्कुल ऐसे ही एक्सेस किया जाता है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज आइदर बी और सी, क्योंकि हमें करेक्ट बताना था। ठीक है, अब यदि यहाँ पर देख लो करेक्ट आइदर बी और सी है। यदि यहाँ पर इस क्वेश्चन को नॉट करेक्ट करके पूछा होता तो क्या बताते आप? नॉट करेक्ट में ए इज द करेक्ट आंसर, फाइन, क्योंकि एवरेज एवीजे की तरह एक्सेस करते हैं। सो दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, नॉट करेक्ट से भी करेक्ट से भी। बट आपको क्या, यदि सही तरीका पता है, पांचों फंक्शन के बारे में पता है, किस तरीके से लिखते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे एक्सेस होते हैं, तो आप इसका आंसर बहुत ईजिली करके आ सकते हो, फाइन। चलो नेक्स्ट, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड। अब ये देखो एसक्यूएल कमांड है, इस पर बेस्ड आउटपुट बताना है। क्या कमांड लिखी हुई है? सिलेक्ट राउंड। राउंड कौन सा फंक्शन हो गया? राउंड फंक्शन आपका न्यूमेरिक और मैथ फंक्शन होता है जो कि नंबर को राउंड ऑफ कर देता है। ठीक है, राउंड ऑफ समझते हो? आपके आईपी में मार्क्स आए 95.8 तो आप क्या बताओगे? सभी को राउंड ऑफ करके बताओगे कि 96 मार्क्स आए, राइट। सो यहाँ पर वही चीज़ें, बिल्कुल राउंड फंक्शन का काम होता है नंबर को राउंड ऑफ करना, या फिर आप जितने भी डेसिमल नंबर्स को एक्सेस करना चाहते हो नंबर के बाद आप उससे भी एक्सेस कर सकते हो। डेसिमल प्लेसेस आपको 2 चाहिए, 3 चाहिए, डेसिमल नंबर्स कितने चाहिए उसके अकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हो। सो 49.88 क्या लिखा है? 49.88। 49.88 को राउंड करना है, कॉमा लगा के कोई भी डेसिमल प्लेसेस नहीं लिखी हुई है, सिंपल इतना ही लिखा हुआ है ना। सो इसको राउंड ऑफ करके आउटपुट क्या आएगा? 49.88 आएगा, 49.8 आएगा, 49.0 आएगा या 50 आएगा। सो राउंड फंक्शन का काम राउंड ऑफ करना होता है। तो 49.88 कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? 50 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्यों नहीं आया एज इट इज आंसर? जस्ट बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमा लगा के कोई भी डेसिमल प्लेसेस मेंशन नहीं की थी। यदि आप कॉमा लगा के डेसिमल प्लेसेस मेंशन करते सपोज 1 तो यहाँ पे आपको 50.1 आंसर मिलता। 2 डेसिमल प्लेसेस भी मेंशन 50.0 ना, सॉरी 1 नहीं 50.0। सो इसी तरीके से क्योंकि ये नंबर हो जाता आपका राउंड ऑफ हो जाता तो आपको कोई डेसिमल प्लेसेस में नंबर ही नहीं बच रहा था। पहले तो राउंड ऑफ करेगा उसके बाद डेसिमल प्लेसेस देगा, है ना। सपोज 833 लिखा रहता है डेसिमल के प्लस बाद आपको 2 या 3 नंबर चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लेसेस मेंशन करो कि डेसिमल के बाद कितने नंबर चाहिए, तो आपको यहाँ पर उतने डेसिमल के प्लेसेस के अकॉर्डिंग आंसर मिलता। सो 50 इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस फंक्शन। ये फंक्शन हर साल एग्जाम में पूछते हैं। राउंड फंक्शन कन्फ्यूजिंग है, सो कंफ्यूज मत होना, सिंपल सी बात है। यहाँ पर फंक्शन पहले राउंड ऑफ करेगा नंबर को, उसके बाद डेसिमल प्लेसेस रिटर्न करेगा यदि लिखा हुआ है तो, ठीक है। Now, next, to get the number of dimensions of a series object, किसी series object के number of dimensions आपको access करना है। Pandas library पे हम आ चुके हैं। Pandas data structure हमने देखा था जिसमें series, data frame को हमने create किया था। उस पर बेस्ड कुछ एट्रीब्यूट्स को हमने डिस्कस किया था जिसको हमने डॉट लगा के एक्सेस किया था। सो यहाँ पर क्वेश्चन पर आपको वही चीज़ एक्सेस करना है कि किसी सीरीज के नंबर ऑफ डायमेंशंस कितने हैं वो आपको शो करना है। तो उसके लिए हम किस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं? सो नंबर ऑफ डायमेंशंस के लिए जिस एट्रीब्यूट का आप यूज़ करते हो क्या वो इंडेक्स होता है, साइज होता है, आइटम साइज होता है या एंडिम? तो यहाँ पे जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है नंबर ऑफ डायमेंशंस, सो डिम मतलब डायमेंशंस, एंडिम नाम के एट्रीब्यूट को आप यूज़ करते हो। सपोज सीरीज ऑब्जेक्ट आपका एस है, सो एस डॉट एंडिम लिखते हो तो सीरीज का डायमेंशन आपको रिटर्न होता है। यदि आप इंडेक्स लिखते हो तो सीरीज में कितने इंडेक्सेस हैं वो रिटर्न होते हैं, इंडेक्सेस सारे। यदि आप साइज लिखते हो तो सीरीज का साइज, हर एक आइटम का साइज भी रिटर्न होता है। कैसे देख लेते हैं। सपोज ये एक सीरीज है, ठीक है, आपने क्रिएट किया जिसमें आपने 4 वैल्यूज़ को स्टोर करवाया और इसके इंडेक्सेस आपके हो गए 0, 1, 2, 3। तो ये सभी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। यदि आपने यहाँ पे लिखा, और ये जो सीरीज़ है आपकी एस नाम की सीरीज़ है, यदि आपने यहाँ पे लिखा एस डॉट साइज, ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज में कितना साइज है, सीरीज का टोटल 4 तो 4 रिटर्न होगा, 4 आइटम्स है इसमें, ठीक है, आइटम। और यदि आपने लिखा है यहाँ पे एस डॉट इंडेक्स तो आपको जितने इंडेक्सेस है 0, 1, 2, 3 इंडेक्सेस मिल जाएंगे। ऐसे इसका यदि डायमेंशन आपको एक्सेस करना है तो 4 ही है, राइट, 4 ही एलिमेंट्स है, सो इसका डायमेंशन भी आपको उसी तरीके से मिलेगा। आइटम साइज को यदि आप एक्सेस करोगे तो ये इंटीजर है, इंटीजर कितने बाइट लेता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आइटम साइज भी मिल जाएगा, फाइन। सो ऐसे ही एक्सेस किए जाते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलता है। सो यहाँ पर नंबर ऑफ डायमेंशंस निकालना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे डी, दैट इज एनडी। अब यही सेम क्वेश्चन यदि सीरीज के लिए ना पूछकर आपसे डेटा फ्रेम के लिए पूछा होता तो डेटा फ्रेम में भी आप इसी को एक्सेस करते हैं, एनडीम को ही, क्योंकि डेटा फ्रेम आपका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, सीरीज 1 डायमेंशनल होता है। तो डेटा फ्रेम सपोज इस तरीके से आपने कुछ क्रिएट किया है, सो यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर होगा देख लो, 1, 2, 3, 4 रो है और 3 कॉलम है, सो 4 क्रॉस 3 का आपका ये डेटा फ्रेम होगा। तो जब एन डायमेंशन निकालोगे तो 4, 3 इस तरीके से आपको डायमेंशन मिलेंगे। शेप में भी आपको इसका शेप मिल सकता है, ठीक है, शेप नाम का भी एक मेथड होता है जिसको हम यूज करते हैं, एट्रीब्यूट होता है, राइट। सो ये हो गए आपके एट्रीब्यूट पर बेस्ड एक क्वेश्चन जो सीरीज डेटा फ्रेम दोनों से बन सकता है। कुछ सिमिलर ही इनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, बस डिफरेंस कहाँ है कि सीरीज 1 डायमेंशनल है और डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल है। 11वां क्वेश्चन, अज्यूमिंग द गिवन सीरीज नेम्ड स्टूड। हमने एक सीरीज को यहाँ पर अज्यूम कर लिया जिसका नाम है स्टूड, स्टूडेंट नाम की एक सीरीज है, ओके। विच कमांड विल बी यूज टू प्रिंट 5 आउटपुट। 5 एज अ आउटपुट आपको प्रिंट करवाना है, क्या प्रिंट करवाना है, 5। तो उसके लिए इनमें से कौन सा आप कमांड यूज करोगे, तो पहले तो हम सीरीज देख ले क्या है, ओके, ये सीरीज है आपकी। अब इस सीरीज में ध्यान से देखो, ये वैल्यूज है 90, 100, 50, 67, 89, ये स्टूडेंट के मार्क्स हो गए, ये हो गए। इंडेक्स, सीरीज के इंडेक्स भी होते हैं। अब इंडेक्स डिफॉल्ट 0, 1, 2, 3 होते हैं या फिर आप लेबल इंडेक्स भी क्रिएट कर सकते हो। सो अमित, रमेश, महेश, जॉन, अब्दुल, ये सीरीज के इंडेक्सेस हो गए और ये सीरीज की वैल्यूज हो गई, हम ये मान के चल रहे हैं, ओके। नाउ नेम, स्टूडेंट, डी टाइप, ये पूरा एक आउटपुट है। अब इसमें से आपको 5 एज ए आउटपुट चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 रिकॉर्ड्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ हम बोल सकते हैं कि 5 वैल्यूज है सीरीज की, ठीक है। सीरीज का साइज 5 है, 5 साइज की सीरीज है क्योंकि इसमें 5 ही वैल्यूज हैं। तो 5 आपको आउटपुट प्रिंट करवाना है, तो कौन सा एट्रीब्यूट का आप यूज करोगे, डॉट इंडेक्स, मतलब कि स्टूड नाम की सीरीज है, ये सीरीज का नाम क्या है, स्टूड ऑब्जेक्ट से आपने क्रिएट किया, सो स्टूड डॉट इंडेक्स, स्टूड डॉट लेंथ, स्टूड डॉट वैल्यूज, स्टूड डॉट साइज। सो यहाँ पे हमें 5 ऐसे आउटपुट चाहिए, मतलब कि सीरीज का साइज 5 है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। साइज को आप यूज करोगे, साइज एट्रीब्यूट को, स्टूड डॉट साइज लिखोगे तो एज ए आउटपुट आपको 5 मिलेगा, बिकॉज 5 वैल्यूज आर एग्जिस्टिंग इन दिस सीरीज, ओके। अब इंडेक्स यदि एक्सेस करोगे तो आपको ये सारे इंडेक्सेस मिल जाएंगे, अमित, रमेश, महेश, जॉन, अब्दुल, ठीक है। वैल्यूज लिखोगे तो ये सारी वैल्यूज मिल जाएगी, सो इंडेक्स में इंडेक्सेस मिलेंगे, वैल्यूज में वैल्यूज मिलेगी, साइज में सीरीज का साइज मिलेगा, लेंथ नाम का कुछ नहीं होता है, फाइन। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। अब सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं, इसके लिए हम पेंडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, फिर पेंडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, पीडी या जो भी नाम से असाइन किया, उसके अकॉर्डिंग हम डॉट लगा के सीरीज मैथड का यूज कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से। ये भी ध्यान रखना, इस पर बेस्ड भी एमसीक्यूज बनता है, प्रीवियस सैम्पल पेपर्स में हमने डिस्कस किया है कि सीरीज को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर S कैपिटल होता है डियर सीरीज में, और यहाँ आप मेंशन कर देते हो डेटा और इंडेक्स को। डेटा और इंडेक्स 2 इसके पैरामीटर होते हैं। डिफॉल्ट इंडेक्स 0, 1, 2, 3 से साइन होता है। डेटा में आप जो डेटा क्रिएट करना है, वैल्यूज क्रिएट करना है, वो लिख सकते हो। सीरीज को आप डेटा फ्रेम से डिक्शनरी से भी क्रिएट कर सकते हो, लिस्ट से भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप डेटा में लिस्ट और डिक्शनरी को भी पास कर सकते हो। एम्प्टी सीरीज क्रिएट करना है तो सीरीज मैथड को हम बिना कोई पैरामीटर के लिखते हैं, तो डायरेक्टली एम्प्टी सीरीज फाइंड आउट हो जाती है। ये एस कैपिटल आता है, इसमें भी वेरिएशंस पूछते हैं ऑब्जेक्टिव्स में कि कैसे सीरीज मैथड यूज की जाती है, क्यों, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो यहाँ पर एस कैपिटल आता है, ध्यान रखना। डेटा फ्रेम से रिलेटेड पूछेंगे तो डी और एफ कैपिटल आएगा, क्या आएगा, डी और एफ कैपिटल आएगा, बहुत ध्यान रखना। इस तरीके से सीरीज क्रिएट करते हैं, फाइन। नेक्स्ट पेंडास इज अ, अब पेंडास क्या है, पैकेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है और हार्डवेयर है। सो यहाँ पे देखो, पेंडास लाइब्रेरी पे हमने वर्क किया है, सीरीज डेटा फ्रेम को हमने क्रिएट किया है, राइट। सो अब पेंडास पैकेज हुआ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुई, सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी हुआ या हार्डवेयर हुआ। तो हार्डवेयर तो है नहीं, पैकेज भी है नहीं, क्योंकि पिप पैकेज की मदद से हमने पेंडास को इंस्टॉल किया था। अब इंस्टॉल किया था तो आप समझ सकते हो किसे इंस्टॉल करते हैं, हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। तो पेंडास क्या हो गया आपका, सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी हो गया। और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से आप इस सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी को एक्सेस कर पा रहे हो, राइट? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी। यहाँ भी कंफ्यूज मत होना, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो करेक्ट आंसर इज सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ। वेबसाइट किसका कलेक्शन होता है? HTML डॉक्यूमेंट्स का, ग्राफिक फाइल्स का, ऑडियो वीडियो फाइल्स का, ऑल ऑफ दिस का। सो ऑब्वियस आपने किसी भी वेबसाइट में कुछ पिक्चर्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो सभी चीज़ें देखी हैं। और वेबसाइट को बेसिक लैंग्वेज का यूज़ करके क्रिएट किया जाता है, तो उस लैंग्वेज को हम HTML लैंग्वेज बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दिस, बिकॉज यहाँ पर HTML डॉक्यूमेंट का यूज़ किया जाता है वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। कुछ पिक्चर इमेजेस आपको वहाँ दिखती है, तो ग्राफिक फाइल्स भी होती हैं, ऑडियो वीडियोज़ भी होती हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्लॉज लिस्ट द रिजल्ट इन डैश ऑर्डर। अब ऑर्डर बाय क्लॉज, ग्रुप बाय, हैविंग, वेयर, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट क्लॉजेस जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर से बता रही हूँ, है ना। सो ऑर्डर बाय क्लॉज का क्या मतलब हुआ? ये किस ऑर्डर में डिफॉल्ट अरेंज करता है रिकॉर्ड्स को। सो ऑर्डर बाय क्लॉज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड्स को सॉर्ट कर देता है, अरेंज कर देता है। सो डिफॉल्ट जिस ऑर्डर में करता है वो डिसेंडिंग होता है, या कोई भी ऑर्डर, या सेम ऑर्डर, या असेंडिंग। तो यहाँ पर डिफॉल्ट जो ऑर्डर होता है वो होता है असेंडिंग। मतलब कि ऑर्डर बाय क्लॉज के आगे यदि आपने लिख दिया यहाँ पर प्राइस, ठीक है, तो जो भी प्राइस होगा किसी भी प्रोडक्ट का, वो प्राइस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, डिफॉल्ट, है ना। और यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम DESC लिखेंगे, तब जाके प्राइस का कॉलम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। तो ध्यान रखना, DESC डिफॉल्ट नहीं होता है, असेंडिंग डिफॉल्ट होता है। ऑर्डर बाय क्या करता है? असेंडिंग ऑर्डर में हर चीज को अरेंज कर देता है टेबल में, ठीक है, किसी भी कॉलम की वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग में अरेंज करना है तो DESC आएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायलेशन ऑफ IPR? नॉट अ वायलेशन ऑफ IPR। तो फर्स्ट तो IPR क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्या होता है IPR? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या हुआ? एक तो वो प्रॉपर्टी होती है, वो असेट्स होती है जो हम सभी के पास होती है, जिसपे हमारा हक होता है। जैसे घर में आप रहते हो, आपके पास कोई बाइक है, आपकी कोई बुक है, उस पर आपका राइट है, फाइन। बिल्कुल उसी तरीके से डिजिटली यदि आप कोई सॉन्ग, ऑडियो, वीडियो या फिर आप कोई आर्टिकल लिखते हो, कोई बुक लिखते हो, तो जब उसको आप डिजिटली पब्लिश कर देते हो, सिस्टम में रखते हो, या फिर कुछ आपने लिखा हुआ है, या फिर जो भी आपका पब्लिश्ड, आपका व्यू है, आपका आइडिया, आपका थॉट है, जिसपे आपका राइट है, जो आपके थ्रू क्रिएटेड है ना, जो आपका आइडिया है, उस पर यदि आपका राइट है तो उसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं। अब वो चीज़ या तो किसी पर्टिकुलर पेन ड्राइव, USB ड्राइव में या हार्ड डिस्क में आपने स्टोर करके रखी, या फिर उसको आपने पब्लिकली अवेलेबल करवा रखा है, वेबसाइट के फॉर्मेट में अवेलेबल है, ठीक है, जिसे यूजर एक्सेस कर सकते हैं। सो इसे बेसिकली हम IPR कहते हैं। अब उस पर्टिकुलर आइडिया, थॉट, व्यू, सॉन्ग, बुक, जो भी आपने आर्टिकल लिखा हुआ है, उस पर किसका राइट होगा, वो कौन कौन एक्सेस कर सकता है ना, या कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है, ये परमिशन का राइट सिर्फ आपके पास होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में वही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायोलेशन। तो जब कोई आपके बिना परमिशन के किसी चीज़ को एक्सेस कर लेता है, आपकी चीज़ को, वो भी डिजिटली, तो उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, उस पर्टिकुलर थिंग को हम प्लेजरिज्म कहते हैं, जो हमने यहाँ पर देखा था। सो नॉट अ वायोलेशन, सो प्लेजरिज्म तो वायोलेशन हुआ। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, तो जब कोई पर्सन आपकी चीज़ को एक्सेस कर ले रहा है, आपसे बिना पूछे अपना नाम देकर यूज़ कर रहा है, मतलब उस पर कॉपीराइट लगा हुआ था फिर भी यूज़ कर ले रहा है, तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, तो ये भी है, एक वायोलेशन है, ठीक है, दोनों वायोलेशन है, बताना है नॉट। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, तो किसी भी कंपनी का ट्रेडमार्क होता है तो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, यदि कोई कॉपी कर लेता है तो वो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है, तो ये भी वायलेशन, भाई उसी कंपनी का उस ट्रेडमार्क पे हक है। पेटेंट नहीं होता है, पेटेंट का ऐसा कुछ भी रूल नहीं होता है, हर कंपनी के अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अपनी चीज़ें होती हैं, जिसे हम पेटेंट कहते हैं, ठीक है, मतलब उनके लाइसेंस फॉर्म्स वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, जिसे हम पेटेंट कहते हैं, जो एक टाइम के साथ रिन्यू किए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन फिर से होता है, उस पर उसको किसी तरीके से हम यहाँ पे IPR का वायलेशन नहीं कहते हैं, राइट। सो करेक्ट आंसर इज पेटेंट, ठीक है, ये हमने पढ़ा था सोसाइटल इम्पैक्ट वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से। तो प्लेजरिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन एक ज़रूर आता है, इस तरीके से भी आ सकता है, प्रीवियस पेपर्स देखो, उसमें मैंने बताया है कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 16th क्वेश्चन, एवरी एक्टिविटी यू परफॉर्म ऑन द इंटरनेट इज सेव्ड फॉर अ लॉन्ग. हर एक्टिविटी जो इंटरनेट पे आप परफॉर्म करते हैं वो कितने समय के लिए इंटरनेट पर स्टोर होती है? सिर्फ एक महीने के लिए, 1 ईयर के लिए, एज पर माई सेटिंग जैसा आप सेट कर देते हो उतने टाइम के लिए, या फॉर एवर हमेशा के लिए. सो इंटरनेट पे जो भी आपने अपलोड किया है, जो भी एक्टिविटी आप करते हो, वो कितने टाइम के लिए रहता है? फॉर एवर, हमेशा के लिए रहता है. समझ में आया? कोई भी पोस्ट आपने डाला, कोई आईडी आपने क्रिएट की, कोई वेबसाइट आपने क्रिएट की, यदि उसको पब्लिश कर दिया आपने, ठीक है, होस्ट कर दिया, तो उसे पब्लिकली हर कोई एक्सेस कर सकता है. एनी टाइम नहीं होता है यहाँ, 1 मंथ 1 ईयर नहीं होता, फॉर एवर वो आपकी चीज़ इंटरनेट पर रहती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. 16 तक हमने सॉल्व कर लिया, अब 17 से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है. असर्शन क्या दिया हुआ है? असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ गए अब तो, प्रीवियस सैंपल पेपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. एक असर्शन एक सेंटेंस दिया रहता है, उस पर बेस्ड आपको ये बताना है कि असर्शन सही है या गलत है, और उस पर बेस्ड जो रीज़न है वो सही है या गलत है. रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. सो दो चीज़ें आपको पहले फाइंड आउट करनी है कि ए और आर जो दिए हुए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है. यदि ये फाइंड आउट आपने कर लिया तो दूसरी चीज़ आपको क्या फाइंड आउट करनी है? दूसरी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है कि जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. और ये यदि आपने फाइंड आउट कर लिया तो आपको इस क्वेश्चन को सही होने से कोई नहीं रोक सकता है. आप बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर देने वाले हो. तो आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, असर्शन रीज़न ट्रू है या फॉल्स है, रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं. पहला दिया हुआ है assertion यहाँ पे, और सर्वर कंप्यूटर इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क विच प्रोवाइड सर्विसेज टू द क्लाइंट्स एंड कंट्रोल एक्सेस टू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर रिसोर्सेज. अ सर्वर कंप्यूटर इज कोर कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क. सर्वर जो है नेटवर्क का एक कोर कंपोनेंट होता है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाइंट्स को और कंट्रोल करता है जितने भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और अदर रिसोर्सेज हैं उनको. सो यस, सर्वर सिस्टम हमें पता है क्या होता है, एक मेन कंपोनेंट होता है. वो नहीं होगा तो क्लाइंट्स को रिक्वेस्ट का रिस्पांस कौन करेगा? सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा? तो सर्वर सर्विसेज प्रोवाइड करता है वेबसाइट्स के फॉर्मेट में, है ना, फाइल्स प्रोवाइड करता है जो आपको चाहिए होती हैं. सो ये तो हमें समझ में आ गया कि जो असर्शन है वो ट्रू दिया हुआ है. अब देख लेते हैं इसका रीज़न. रीज़न क्या दिया हुआ है, क्योंकि कहानी अभी तक टिकी हुई है पूरी रीज़न पर. यदि रीज़न सही हुआ और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ तो आप आंसर बता दोगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा. क्लाइंट आर द कंप्यूटर्स दैट नॉर्मली रिक्वेस्ट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन और द सर्विसेज ओवर द नेटवर्क. अब यहाँ पे सर्वर का जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि असर्शन में तो सर्वर के बारे में बताया था और रीजन में क्लाइंट के बारे में बता रहे हैं. सो क्लाइंट वो कंप्यूटर्स होते हैं जो नॉर्मली रिक्वेस्ट करते हैं, रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन और सर्विसेज ओवर द नेटवर्क. सो ये ट्रू तो लिखा है, बट ये कहीं ना कहीं इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन लग रहा है क्या? नहीं. क्लाइंट वो सिस्टम होते हैं जो कि रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर को, ठीक है, और सर्वर से जो सर्विसेज मिलती हैं उनको रिसीव करते हैं. सर्वर वो सिस्टम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो रिस्पॉन्स शेयर करते हैं, क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ सर्वर और क्लाइंट की कुल मिला के डेफिनेशन लिखी हुई है, जो कि सही डेफिनेशन लिखी हुई है. समझ में आया? रीजन सर्वर से रिलेटेड कुछ भी हमें नहीं दिख रहा है. सो क्या आंसर होगा आपका जल्दी बता दो, क्योंकि हमने ये एनालाइज कर लिया कि इस क्वेश्चन में क्या बताया है. बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ है. ये तो ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ है. यस, ये हमें सही लग रहा है, दोनों चीज हमारी सही जा रही है यहाँ पर. सो बी इज द करेक्ट आंसर. A is true but R is false, ये भी false हो गया. A is false but R is true, ये भी गलत. So what is the correct answer? B is the correct answer. That is both assertion and reason are true but R is not the correct explanation of A. Clear? समझ में आ गया? Next, assertion दिया हुआ है series is pandas data structure that represent a 2D array like object. Reason दिया हुआ you can use numpy and nan for missing data. देख लो, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है और बहुत इजी वे में आपको समझाया हुआ है कि सीरीज एक पंडास डेटा स्ट्रक्चर है दैट रिप्रेजेंट 2D अरे लाइक ऑब्जेक्ट. सीरीज क्या 2D अरे को रिप्रेजेंट करता है. सीरीज डेटा स्ट्रक्चर, पंडास का डेटा स्ट्रक्चर तो है सीरीज, लेकिन 1 डायमेंशनल को क्रिएट करता है. 1D अरे क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है ना. सो असर्शन आपका हो गया फॉल्स. यदि यहाँ पर डेटा फ्रेम लिखा होता तो ये ट्रू हो जाता, है ना. रीजन देखो क्या दिया इसका, यू कैन यूज numpy nan फॉर मिसिंग डेटा. सो सीरीज में आप nan वैल्यूज का यूज तो करते हो, लेकिन क्या नन वैल्यूज का यूज जो आप करते हो वो numpy को डिनोट करता है, सीरीज में आप यूज करते हो। यस, ये लाइन तो ट्रू लिखी है, हम कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपका जो असर्शन है वही क्या दिया हुआ है, फॉल्स दिया हुआ है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। रीजन तो ट्रू है बट असर्शन फॉल्स है। समझ में आ गई मेरी बात? नेक्स्ट सेक्शन बी पर हम आ गए। अब सेक्शन ए तक तो हमने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए, समझ लिए और कैसे क्वेश्चन से वो भी देख लिया। सेक्शन बी जो होगा आपका 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे जितने 7 क्वेश्चंस मिलेंगे सब 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टोपोलॉजी फ्रॉम द फॉलोइंग। टोपोलॉजी वाला क्वेश्चन है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट एंड वेब वाले चैप्टर में हमने 5 डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज पढ़ी थी, स्टार मैश रिंग और स्टार मैश रिंग ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, राइट। सो ईच नोड इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सिंगल केबल। एक सिंगल केबल से सारी नोड कनेक्टेड होती है नेटवर्क में। इस टाइप की टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं? इस टाइप की टोपोलॉजी को हम, जल्दी बता दो क्या कहते हैं, बस टोपोलॉजी कहते हैं, जिसमें एक बैकबोन से, इस जो मेन केबल है इसको, बैकबोन को क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर केबल को बैकबोन कहते हैं, जिससे सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। इजीली इंस्टॉल हो जाती है ये टोपोलॉजी, कम अमाउंट में, लेस एक्सपेंसिव होती है। यहाँ पे यदि कोई सिस्टम फेल होता है तो वो भी इजीली रिपेयर हो सकता है, लेकिन यदि इस मेन केबल में, इस मेन केबल में यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। ये पढ़ा था हमने। Each node is connected with central switching through interdependent cables, जिसमें एक सेंट्रल स्विचिंग डिवाइस से सारी नोड आपस में कनेक्टेड होती हैं। एक सेंट्रल स्विचिंग डिवाइस से सारी नोड आपस में कनेक्टेड होती हैं। ये सेंट्रल स्विचिंग डिवाइस है आपका, सेंट्रल स्विचिंग डिवाइस। तो ये डिवाइस आपका हब और स्विच कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इस टाइप की टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं? स्टार टोपोलॉजी कहते हैं, है ना। स्टार टोपोलॉजी इजी होता है, यहाँ पर सेंट्रल स्विचिंग डिवाइस होता है, सारी नोड आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। हब स्विच के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। अब जो सेंट्रल स्विचिंग डिवाइस ही यदि फेल हो जाएगा तभी कंडीशन बनती है इस नेटवर्क में फेल होने की। एक कंप्यूटर सिस्टम में यदि कोई प्रॉब्लम होती है नेटवर्क में तो उसको ईजिली रिपेयर कर सकते हो आप, ठीक है। वायरस वगैरह भी ज़्यादा इस नेटवर्क में फैलने के चांसेस नहीं होते हैं। सिक्योर टोपोलॉजी के नाम से हम जानते हैं और लेस एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू मैश एंड अदर टोपोलॉजीज, फाइन। और का क्वेश्चन, मतलब कि 2 मार्क्स का पहला क्वेश्चन ही आपको चॉइस में मिलेगा, फाइन। 19th क्वेश्चन, नेम एनी 2 मेल सर्विस प्रोवाइडर्स। 2 मेल सर्विस प्रोवाइडर्स के नाम बताना है, बहुत इजी है। आप अपने घर में इंटरनेट एक्सेस करते हो तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज ISP, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ करते हो, कौन सी कंपनी का नेट लगवाना है आपको, रिलायंस, जियो, BSNL, वो क्या हो गए आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए। तो यहाँ पे Gmail, याहू मेल, सॉरी मेल सर्विस की बात कर रहे हैं ना, सॉरी हाँ वो मैंने ISP के बारे में बता दिया। मेल सर्विस प्रोवाइडर जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड आपको करते हैं, तो Gmail का यूज़ करके आप अपना मेल क्रिएट करते हो ना। जैसे सपोज मैग्नेट ब्रेन्स की बात करें तो magnetbrainsbhopal@gmail.com, कोई अपने याहू पर मेल क्रिएट करते हो तो मेल सर्विस प्रोवाइडर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो Gmail, याहू मेल, रेडिफ मेल, है ना, ये सब क्या हो गए, मेल सर्विस प्रोवाइडर हो गए, जिसके थ्रू आप ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हो, ईमेल एड्रेस को क्रिएट करते हो और ईमेल्स को शेयर करते हो, सेंड करते हो, है ना। और जो मैं बता रही थी वो ISP होता है, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिस कंपनी के थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्वेश्चन भी इसी चैप्टर पर बेस्ड है, ये भी पूछा जा सकता है इसकी जगह पर, ठीक है। सो ध्यान रखना है, फाइन। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, व्हाट विल बी दी आउटपुट ऑफ दी फॉलोइंग कोड। इस कोड का क्या आउटपुट आएगा, 2 मार्क के अकॉर्डिंग पूछा है क्वेश्चन। क्वेरी देख लो, MySQL की लिखी, सिलेक्ट कॉन्केट। सो कॉन्केट क्या हो गया आपका, एक स्ट्रिंग और टेक्स्ट फंक्शन हो गया, जिसमें आपने फर्दर कॉन्केट फंक्शन को यूज किया है। मतलब ये हो गया आपका नेस्टेड फंक्शन, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज होता है तो नेस्टेड फंक्शन कहलाता है। सो कॉन्केट में फिर कॉन्केट फंक्शन को यूज किया है और इसमें लिखा है इनफॉर्म एटेक्स, और फिर बाहर आपने यूज़ किया है प्रैक्टिसेस, मतलब कुछ इस तरीके से। सो पहले हम कॉन्केट का मतलब समझ लो क्या होता है। कॉन्केट क्या करता है, यहाँ पे जितनी भी स्ट्रिंग आपने मेंशन की होती है उन स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा M और B, तो यहाँ पे उसने MB को ज्वाइन करके, इन दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइन करके शो किया, बीच में स्पेस नहीं आती है, ठीक है। इसके प्रीवियस सैम्पल पेपर में इट वॉज ओके वाला क्वेश्चन यदि आपने देखा होगा तो आप कॉन्केट फंक्शन को रिकॉग्नाइज कर पाओगे यहाँ पर, ठीक है। सो क्या करा, कॉन्केट फंक्शन का काम क्या हुआ, कॉन्केटेनेशन करना, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देना विदाउट स्पेस। सो M भी इस तरीके से ज्वाइन हो गया। क्लियर। अब फंक्शन के अंदर फंक्शन आपने लगाया हुआ है, तो फंक्शन के अंदर मतलब पहले कॉन्क्रीट क्या होगा, इनफॉर्म एटिक्स को कॉन्क्रीट किया जाएगा। इनफॉर्म और एटिक्स दो अलग अलग स्ट्रिंग हो गई, तो ये देखो इनफॉर्म एटिक्स, यहाँ पे पहला वाला अंदर वाला कॉन्क्रीट फंक्शन यूज हुआ। फिर प्रैक्टिसेस बाहर वाले के लिए, मतलब ये जो फंक्शन है इसमें इन्फॉर्मेटिक्स होगा और यहाँ पर प्रैक्टिसेस को ज्वाइन किया जाएगा। समझ में आया, ये दूसरे कॉन्क्रीट फंक्शन के साथ में यूज किया गया है। सो क्लियर हो गई मेरी बात, इन्फॉर्मेटिक्स आपको यहाँ पर शो होगा। क्लियर। नाउ 21st क्वेश्चन, राइट कमांड्स टू डिस्प्ले द सिस्टम डेट। सिस्टम की डेट को डिस्प्ले करवाना है तो क्या कमांड होगी। तो सिस्टम की डेट को डिस्प्ले करवाना है तो आप यहाँ पे नाउ फंक्शन का यूज भी कर सकते हो, सिस डेट फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। नाउ फंक्शन करंट डेट टाइम दोनों रिटर्न करता है, सिस डेट भी करंट डेट टाइम आपको रिटर्न करता है, और कर डेट फंक्शन भी आपको क्या रिटर्न करता है, करंट डेट रिटर्न करेगा। ओके, सो डेट टाइम में हमने बहुत सारे फंक्शंस देखे थे जो डेट रिटर्न करते हैं। सो सिलेक्ट कर डेट फंक्शन का जब यूज करोगे तो जो भी करंट डेट हो रही होगी, सपोज हम करंट डेट मान ले 27/11/2022, तो ये आपकी करंट डेट रिटर्न हो जाएगी। फाइन, इस तरीके से। 22nd क्वेश्चन, राइट स्टेटमेंट्स टू डिलीट अ रो फ्रॉम डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में से रो को डिलीट करना है, डेटा फ्रेम में से रो को डिलीट करना है। समझ में आया। सो डेटा फ्रेम में से रो को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए ड्रॉप मेथड का। ड्रॉप मेथड का यूज करके आप रो या कॉलम को डिलीट कर सकते हो डेटा फ्रेम में से उसके इंडेक्स वैल्यू या रो इंडेक्स कॉलम या रो इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, df डॉट ड्रॉप। ड्रॉप में आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रो लेबल या इंडेक्स का यूज कर लेना है, क्योंकि रो में दो चीजें हो सकती है, या तो रो लेबल होगा या रो इंडेक्स होगी। ठीक है, इंडेक्स 0 1 2 3 से होंगे या कोई लेबल क्रिएट किया होगा आपने, तो वो यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो कौन सी मेथड यूज करी, डीएफ डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट डॉट लगाना है और डॉट लगा के आपको ड्रॉप मेथड यूज कर लेना है। डिलीट मेथड नहीं यूज करना है, ड्रॉप यूज करना है। प्रीवियस सैंपल पेपर में यदि 35th क्वेश्चन आपने देखा होगा तो वहां पे डिलीट का एक ऑप्शन भी दिया हुआ था जो कि रॉन्ग हुआ था। सो ड्रॉप मैथड इज यूज टू ड्रॉप कॉलम और रो फ्रॉम डेटा फ्रेम। ओके, 23rd क्वेश्चन देखो, What is the public domain software? Name some common public domain software licenses. अब public domain software क्या होते हैं और कुछ public domain software के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। So public domain software आपके वही open source software ही होते हैं जिनमें कोई restrictions नहीं होता है। Freely आप उन software को access करते हो, modification करते हो, copy कर सकते हो, distribute कर सकते हो। They are called public domain software also. So open source software जो OSS हमने देखे थे, open source software उन्हीं को public domain सॉफ्टवेयर भी कहा गया है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज फ्री एंड कैन बी यूज्ड विदाउट रेस्ट्रिक्शंस। बिना रेस्ट्रिक्शंस के आप उन्हें एक्सेस करते हो, फ्रीली अवेलेबल होते, कोई कॉस्ट पे नहीं करनी है। जैसे लाइनक्स, अपाचे, फायरफॉक्स, ये सब क्या हो गए आपके फ्रीली एक्सेस टू सॉफ्टवेयर हो गए। लिनक्स एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको आप एक्सेस कर सकते हो, इसकी वेबसाइट से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स का नाम सुना है ब्राउजर का, वो भी फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही होता है आपका। अपाचे सर्वर लाइक दिस। ओके, सो ये क्या हो गए आपके पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। सो ओएसएस पूछे या पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर पूछे, दोनों एक ही होते हैं, सेम ही एग्जाम्पल आपको लिखकर आने। फाइन। नाउ 23rd क्वेश्चन इज अगेन इन और। 19 और में देखा, 23 भी और में मिल रहा है आपको। 19 इंटरनेट एंड वेब वाला चैप्टर किससे और का क्वेश्चन था, और 23 आपका सोसाइटल इंपैक्ट वाले चैप्टर से और में पूछा है। तो डिफाइन फिशिंग। फिशिंग क्या होता है जल्दी बता दो, प्रीवियस सैंपल पेपर्स में भी पूछा गया है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल के पेपर में या तो टेबल में या फिर किसी भी तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप, वेरी शॉर्ट लॉन्ग में भी आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। कुछ कंडीशन दे दी तो बताओ ये किस टाइप का साइबर क्राइम है, ऐसा क्वेश्चन इस पर बन जाता है। तो फिशिंग इंपॉर्टेंट है, समझ लो क्या होता है। फिशिंग क्या होता है बेसिकली, जब आपको ईमेल में कोई लिंक आती है, कोई स्पैम मेल आता है, उस लिंक पर क्लिक करने से कोई फ्रॉड वेबसाइट पर आप पहुँच जाते हो, आपकी इन्फॉर्मेशन, डेटा, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो सकती है। दैट्स टाइप ऑफ अटैक इज नोन एज फिशिंग अटैक। सो फिशिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ attempting to acquire sensitive information for individuals over the internet by means of deception। समझ में आ गया, इसको अपनी लैंग्वेज में भी आप लिखकर आ सकते हो। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो डेफिनेशन मैंने लिखी ना यही लिखकर आओ आप अपनी ओन लैंग्वेज में भी फिशिंग को एग्जाम्पल के साथ लिखकर आ सकते हो। 2 मार्क्स में पूछा है तो ज़्यादा कुछ भर के आपको नहीं लिखना, 2-3 पैराग्राफ है ना, सिर्फ आपको 4 से 5 लाइन्स में इस आंसर को बहुत शानदार तरीके से लिखकर आना है। ठीक है। 24th क्वेश्चन, Why does following code cause error? अब ये कोड आपके सामने लिखा हुआ है और इसमें क्या एरर आएगी, क्यों एरर आई है वो बताना है। सो कोड बहुत ध्यान से देख लो। कोड है बेस्ड आपका पाइथन सीरीज पर, पेंडास लाइब्रेरी के। S1 नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है pd.series, भाई ये तो बिल्कुल करेक्ट है, S कैपिटल लिखा है तो इतना तो हमने एनालाइज किया, करेक्ट है। इसमें रेंज फंक्शन क्रिएट किया है, रेंज फंक्शन की मदद से सीरीज की वैल्यूज क्रिएट कर रहे हैं। भाई क्या सीरीज क्रिएट होगी, यहाँ पे देखो 1 से स्टार्ट होगी, 15 तक जाएंगे, 3-3 के डिफरेंस में, तो 1 2 3 4 आएगा, 5 6 7 आएगा, 8 9 10 आएगा, तो 3-3 के साथ में आपके नंबर्स क्रिएट होते जाएंगे। इस तरीके से एक सीरीज क्रिएट यहाँ पर हो जाएगी ना। फिर 10 के बाद 10 11 12 13 आएगा, 14 15 नहीं आएगा क्योंकि रेंज क्या करता है, लास्ट वैल्यू स्किप करके शो कर देता है, तो ये सीरीज क्रिएट हो जाएगी। इंडेक्स, ये तो सीरीज क्रिएट होगी, इसकी वैल्यूज हमने रेंज फंक्शन से क्रिएट कर ली। इंडेक्स क्या स्पेसिफाई करेंगे आप, तो लिस्ट दी हुई है यहाँ पे इंडेक्स की, ए बी ए लाइक दिस, ए बी ए, इस तरीके से कुछ इंडेक्स क्रिएट होगा। अब प्रिंट क्या करवा लिया, S1 ऑफ ए बी, तो ए बी नाम से कोई इंडेक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या? आप ए इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, बी इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, बट ए बी नाम से कोई इंडेक्स की वैल्यू नहीं है ना, तो एरर क्या आ जाएगी यहाँ पर, बिकॉज देर आर नो रो बाय द सेम ए बी, ए बी नाम से कोई भी रो एग्जिस्ट नहीं कर रही, कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, दैट इज इट इज दी एरर, और ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। फाइन, समझ में आ गया। एरर कहाँ पे मिली हमें, यहाँ पर मिली कि हम किसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग सीरीज की वैल्यू को एक्सेस करने वाले हैं, तो आपको सही इंडेक्स लिखना है, सही इंडेक्स लिखोगे तभी तो उसकी वैल्यू को एक्सेस कर पाओगे। जो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और उसकी वैल्यू एक्सेस करना चाहोगे तो कैसे पॉसिबल होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, हाउ वुड यू एड अ न्यू कॉलम नेमली वेल, वेल नाम के कॉलम को आप कैसे ऐड करोगे, किसमें, डेटा फ्रेम में। तो ये क्वेश्चन आपका डेटा फ्रेम पर बेस्ड है। डीएफ नाम की एक डेटा फ्रेम है, उस डेटा फ्रेम में वेल नाम के कॉलम को हमें ऐड करना है, जिसकी 10 वैल्यू क्रिएट करना है, मतलब 10 रो होगी उस कॉलम में, 10 वैल्यूज को आपको एंटर करना है। वेल नाम का कॉलम है जिसमें आपको कुछ 10 वैल्यूज को यहाँ पर ऐड करना है। एंड हैज कॉलम्स एज, अब उस टेबल में, उस डेटा फ्रेम में ऑलरेडी कुछ कॉलम्स है, कौन कौन से कॉलम्स है, आइटम नाम का कॉलम है, क्वांटिटी है और प्राइस है, ठीक है। ये 3 कॉलम ऑलरेडी इस डेटा फ्रेम में है जिसमें 10-10 वैल्यूज हैं, हमें इस कॉलम को ऐड करना है। यू कैन चूज टू पुट एनी वैल्यूज फॉर योर चॉइस, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप वेल की कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो। तो क्या कोड लिखोगे, देखो जल्दी से, डीएफ डेटा फ्रेम का यूज करना है हमें, जिस डेटा फ्रेम में ऐड करना है, और यहाँ पे जिस कॉलम को ऐड करना है उस कॉलम का नाम लिख देना है, वो भी सिंगल डबल इन्वर्टेड में। व्हाई, क्योंकि ये आपका एक इंडेक्स की तरह यूज होता है, कॉलम इंडेक्स समझते हो ना, ओके। लेबल इंडेक्स है तो लेबल इंडेक्स स्ट्रिंग वैल्यू सिंगल डबल इन्वर्टेड में गई, इज इक्वल्स टू जो 10 वैल्यूज है उसकी हमने लिस्ट इसमें प्रोवाइड कर दी। सो 0 10 20 30 इस तरीके से आप इसमें 10 वैल्यू प्रोवाइड कर दो, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे कुछ वैल्यूज क्रिएट हो जाएंगी, एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। फाइन, समझ में आ गया कैसा क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, ओके। आ गए अब हम सेक्शन सी पे, तो 19 और 23 वाले क्वेश्चन में आपको चॉइस मिली है 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सेक्शन सी जिसमें आपको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, समथिंग 5 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलने हैं, ओके। देख लेते हैं 26वां क्वेश्चन, श्रीकांत क्रिएटेड द फॉलोइंग टेबल स्टूडेंट इन हिज डेटाबेस। श्रीकांत ने क्या किया है, एक टेबल क्रिएट की है, स्टूडेंट टेबल, अपने डेटाबेस में, जो कुछ इस तरीके से है। ध्यान से देख लो टेबल, टेबल में आपको रोल नंबर मिलेंगे, नेम मिलेंगे, क्लास मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे। इस टेबल में उसने 4 कॉलम को लिया हुआ है जिसमें कुछ 7 स्टूडेंट्स है, रितिका, अंगद, कावेरी, ललिता, क्लास 12th 11th के स्टूडेंट्स है, 40 35 44 39 28 ऐसे कुछ उनके मार्क्स है, ओके। ये टेबल श्रीकांत ने क्रिएट की। अब इस पर बेस्ड 3 मार्क का कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, ही नाउ वांट्स टू काउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास वेयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज मोर देन 3। वो क्या चाहता है, ही नाउ वांट्स टू काउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर क्लास में कितने हैं, जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज मोर देन 3, सिर्फ उन्हीं को काउंट करे जिस क्लास में 3 से ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। He has executed the query, उसके लिए उसने क्वेरी भी लिखी है। भाई देखो क्या क्वेरी लिखी है, सिलेक्ट मैक्स मार्क्स, कि पहले तो मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करें फ्रॉम स्टूडेंट वेयर काउंट स्टार ग्रेटर देन 3, जहां पे मार्क्स 3 से ज्यादा हो उनको काउंट करें। ग्रुप बाय क्लास, सेमीकोलन नहीं लगाया है, ग्रुप बाय क्लास। तो यहाँ पे देखो ग्रुप बाय के साथ में एक चीज मिसिंग है, दूसरी चीज आपको यहाँ पे कुछ और भी मिसिंग दिख रहा होगा। अब जब उसने ये क्वेरी लिखी तो ही गॉट एन एरर, उसको एक एरर मिली। क्या, आइडेंटिफाई द एरर एंड रीराइट द क्वेरी, ऑल्सो अंडरलाइन द करेक्शन डन। तो यहाँ पे बताना एरर क्या आएगी और इसको किस तरीके से आप सही कर पाओगे। सो पहली बात तो जब आप ग्रुप बाय के साथ कोई कंडीशन लगाते हो, ग्रुप बाय के साथ कोई कंडीशन लगाते हो तो वो हैविंग क्लॉज के साथ लगाई जाती है, ये हमने पढ़ा अभी तक। सो यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज को लिखने का तरीका सही नहीं है, ये एरर जनरेट हुई, ठीक है। अब इसको सही कैसे करोगे? सो सिलेक्ट काउंट स्टार, भाई काउंट कर रहे हो आप रिकॉर्ड्स को तो काउंट स्टार पहले यूज होगा, एग्रीगेट फंक्शन है, ठीक है। मार्क्स में तो मैक्सिमम आपको फाइंड आउट करवाना ही नहीं है, मार्क्स जिसके 3 से ज़्यादा होंगे जिस सब्जेक्ट में उसको काउंट करना है, तो काउंट स्टार का यूज़ कर लिया। अब स्टार नल वैल्यू उसको भी काउंट कर लेता है। फ्रॉम स्टूडेंट टेबल ग्रुप बाय, किसको ग्रुप बाय कर रहे हो आप? एक से ज़्यादा क्लासेस अवेलेबल है तो क्लास को ग्रुप बाय कर रहे हो। हैविंग, अब लगाओगे आप कंडीशन इस तरीके से, काउंट स्टार ग्रेटर देन 3। तो जो कंडीशन है वो किसके साथ लगेगी? ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज के साथ लगेगी, ठीक है ना। सो जब आप ये क्वेरी को रन करोगे, यहाँ पे सेमीकॉलन लगाना, ठीक है। जब आप ये क्वेरी को रन करोगे तो आपको अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग आउटपुट मिलेगा। क्या आउटपुट मिलेगा? भाई जिस क्लास में 3 से ज़्यादा स्टूडेंट है उन क्लास के स्टूडेंट को काउंट करके आपका यहाँ पर आंसर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन आर 2 ऑब्जेक्ट्स, ए लिस्ट ऑब्जेक्ट नेमली लिस्ट 1 एंड अ सीरीज ऑब्जेक्ट नेमली सीरीज 1। मतलब यहाँ पे आपको 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं जिसमें एक लिस्ट मिलेगी और एक सीरीज मिलेगी, ठीक है। बोथ आर हैविंग सिमिलर वैल्यूज, दोनों की क्या है? सिमिलर वैल्यूज हैं। क्या? 2, 4, 6, 8, मतलब लिस्ट में भी 2, 4, 6, 8 मिलेगा और सीरीज में भी 2, 4, 6, 8 मिलेगा। फाइंड आउट द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब जो 2 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ दिखेंगे उनके आउटपुट आपको बताने हैं, किसके अकॉर्डिंग आउटपुट बताना है, बहुत ध्यान से समझना। प्रिंट LST 1 into 2, लिस्ट 1 में जब आप मल्टीप्लाई का साइन लगाते हो तो यहाँ पे क्या होता है? बेसिकली लिस्ट में जब आप मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर का तो लिस्ट के हर एक एलिमेंट में क्या मल्टीप्लाई होता है? नंबर, या लिस्ट के हर एक एलिमेंट रिपीट हो जाते हैं उतनी बार। सो लिस्ट में इस मल्टीप्लाई ऑपरेटर का काम होता है रिपीटेशन का। ये हमने प्रीवियस सैंपल पेपर्स में भी देखा है, साथ ही ये हमने जब लिस्ट के ऑपरेशंस को डिस्कस किया था तब भी देखा था कि लिस्ट इंटू 2 मतलब कि यहाँ पे इंटू का मतलब जो होता है, स्टार का मतलब होता है रिपीटेशन करना। सो लिस्ट में जो एलिमेंट है, क्या है लिस्ट में एलिमेंट आपके? 2, 4, 6, 8, यही लिस्ट के एलिमेंट है। LST 1 नाम की जो लिस्ट है आपकी उसमें यही एलिमेंट है। जब इसके आगे आपने लिस्ट में 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये जो नंबर है सब 2-2 बार रिपीट हो जाएंगे। सो आउटपुट जो प्रोड्यूस होगा कुछ इस तरीके से 2, 4, 6, 8 और फिर अगेन आपको एक बार और रिपीटेड दिखेगी लिस्ट 2, 4, 6, 8। सो द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय गिवन स्टेटमेंट विल बी 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। क्लियर? समझ में आ गया? सो ये लिस्ट की कहानी हुई। अब हम सीरीज 1 ऑब्जेक्ट की देखते हैं। सो प्रिंट सीरीज 1 into 2, लेकिन सीरीज में जब वही सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सीरीज में भी 2, 4, 6, 8 यही नंबर्स हैं। जब सीरीज ऑब्जेक्ट में आप 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर स्टार जो है, ये जो स्टार साइन है, जो मल्टीप्लिकेशन साइन है, वो मल्टीप्लाई का काम करता है, रिपीटेशन का काम नहीं करता है। सो इसीलिए आउटपुट क्या आया? 2 to the 4, 4 to the 8 है ना, कुछ इस तरीके से 2 to the 4, 4 to the 8 और फिर आपका नेक्स्ट था 6 to the 12, 8 to the 16। सब में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपके एलिमेंट थे 2, 4, 6, 8। आपने सीरीज 1 मल्टीप्लाई 2 को एक्सेस किया तो नई वैल्यू जो थी सीरीज की वो ये बन गई, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई ने मल्टीप्लाई का काम किया। सो लिस्ट में क्या होता है? लिस्ट में स्टार ऑपरेटर रिपीटेशन का काम करता है और सीरीज में यही स्टार ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। ये ध्यान रखना है, यही इसका रीज़न है। तो इस स्टार ऑपरेटर की कहानी लिस्ट में अलग होती है, सीरीज में अलग होती है, ठीक। अब सीरीज 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है तो ये उसके इंडेक्सेस शो हो रहे हैं और ये मल्टीप्लाइड वैल्यू आपको यहाँ पर शो हो रही है। सो 1023 आर द इंडेक्सेस एंड 4, 8, 12, 16 इज द मल्टीप्लाइड आंसर, ठीक है। और लिस्ट में वही आंसर कैसा था? आपको रिपीटेटिव वे में दिख रहा था। लिस्ट 2 बार रिपीट हुई थी क्योंकि हमने लिस्ट इंटू 2 लिखा था, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? कैन यू स्पेसिफाई द रीजन बिहाइंड द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द कोड स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन में जो 2 आउटपुट आपने अलग अलग देखे, एक सेम डेटा पर दो अलग अलग आउटपुट सीरीज और लिस्ट से आपने देखे, उसका रीजन बताओ। तो रीजन में बता चुकी हूँ, द रीजन बिहाइंड द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय दिस स्टेटमेंट वन इज दैट व्हेन सम स्केलर वैल्यू इज मल्टीप्लाइड विद द लिस्ट ऑब्जेक्ट द लिस्ट इज रेप्लिकेटेड दोज मेनी टाइम्स दस द रिजल्ट हैविंग द लिस्ट एलिमेंट्स रिपीटेटेड ट्वाइस। ओके, अब सेकंड सीरीज का क्या रीजन था? द रीजन बिहाइंड द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय स्टेटमेंट टू इज दैट when some scalar value is multiplied with the series object then the operation gets performed, operation मतलब multiplication operation get performed on every single element of series because for a series the operations are carried in a vectorized way that is applied on each element one by one। जो operation था वो vectorized way में हर एक element के साथ में perform हुआ, मतलब कि ये आपकी series थी 2, 4, 6 और 8, 2 का मल्टीप्लाई वेक्टराइज वे में हर एक एलिमेंट के साथ हुआ। ओके, मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर? नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, कैसे पूछा आपने देखा तरीका। 28th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब ये डेटा फ्रेम आपको दिया हुआ है, कोड लिखा हुआ है पूरा डेटा फ्रेम का, इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। इंपोर्ट पेंडास एज पीडी, पेंडास को हमने लाइब्रेरी को पीडी के फॉर्मेट में इंपोर्ट कर लिया। डेटा फ्रेम क्रिएट करना है तो डीएफ नाम की डेटा फ्रेम क्रिएट किया, पीडी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन का यूज किया, डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। डी और एफ कैपिटल आएगा डेटा फ्रेम में। ओके, अब इस डेटा फ्रेम को क्रिएट कर रहे हैं हम डिक्शनरी का यूज करके, जैसे कि आप देख पा रहे हो कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट किया है, कर्ली ब्रेसेस पे एंड किया है। सो वी यूज हियर डिक्शनरी, डिक्शनरी का यूज करके डेटा फ्रेम क्रिएट किया है। अब क्या है डेटा फ्रेम में देखो, डिक्शनरी में सबसे पहले की होती है, तो ये सारी आपकी कीज हो गई। ओके, लेबल्ड है कीज सारी Q1, Q2, Q3 एंड Q4, और इसके बाद जो वैल्यूज होती है कॉलन लगा के वो वैल्यूज आपकी एक लिस्ट के फॉर्मेट में क्रिएटेड है, मतलब हर एक कॉलम की हर एक की इतनी वैल्यूज हैं। ओके, सो इसी के अकॉर्डिंग जो डिक्शनरी क्रिएट होने वाली है वो कुछ इस तरीके से क्रिएट होगी, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, और ये वैल्यूज आपकी 1, 2, 3, 4 और 5 रोज यहाँ पे क्रिएट हो जानी है कुल मिला के, ये जो लिस्ट आपने यहाँ मेंशन करी है। फाइन, सो ऐसी कुछ डिक्शनरी आपकी क्रिएट होगी। तो डिक्शनरी की जो कीज होती हैं, ये कीज क्या होती हैं? कॉलम इंडेक्स बन जाती हैं, ठीक है। और रो इंडेक्सेस यहाँ कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, तो डिफॉल्ट रो इंडेक्सेस 0, 1, 2, 3, 4 हो जाने वाली हैं। ओके, इतना हमें ये डिक्शनरी को देखकर समझ में आ गया कि डेटा फ्रेम को देखकर समझ में आ गया कि डिक्शनरी की मदद से डेटा फ्रेम को क्रिएट किया है। ओके, जिसमें 4 कॉलम 5 रो है। अब इस पर बेस्ड पहला क्वेश्चन, राइट द कोड टू फाइंड मीन वैल्यू फ्रॉम द अबव डेटा फ्रेम डीएफ ओवर द इंडेक्स एंड कॉलम एक्सेस। मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब एवरेज निकलवाना है। तो मीन वैल्यू फाइंड आउट करवानी है आपको कॉलम और रो इंडेक्सेस दोनों के अकॉर्डिंग। इंडेक्स मतलब रो, कॉलम एक्सेस मतलब कि यहाँ पर हम कॉलम्स की बात कर रहे हैं। तो मीन वैल्यू जब फाइंड आउट करवानी होती है तो हम मीन फंक्शन का यूज करते हैं। तो डेटा फ्रेम का मीन मॉड मीडियन फंक्शन सबको समझ में आता है ना, हमने मैथ्स में देखा था। मीन मॉड मीडियन फंक्शन का यूज कर लो तो सब ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, आउटपुट आपके सामने होता है। सो यहाँ पर क्या यूज किया है, प्रिंट में आपने लिखा है df डॉट मीन फंक्शन। मीन फंक्शन में आपने लिखा एक्सेस इक्वल्स टू 1, तो एक्सेस इक्वल्स टू 1 मतलब कि यहाँ कॉलम पे मीन कैलकुलेट हो जाएगा, कॉलम वाइज वैल्यू का है ना, जो कॉलम वाइज वैल्यू है उन पर मीन कैलकुलेट होगा। जब आपने लिखा df डॉट मीन एक्सेस इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर रो वाइज जितनी वैल्यू होगी हर एक क्वार्टर की ना, रो वाइज जो वैल्यूज होगी उनका मीन कैलकुलेट होगा। सो ये एक्सेस इक्वल्स टू 0 सेट किया आपने और एक्सेस इक्वल्स टू 1 सेट किया, तो कॉलम वाइज रो वाइज मीन कैलकुलेट होगा। ओके, समझ में आ गया कोड क्या लिखना है? एक्सेस पैरामीटर को यूज कर लेना। अब डिफॉल्ट जो एक्सेस पैरामीटर होता है वो एक्सेस इक्वल्स टू 0 रो होता है। ओके, कॉलम के लिए आपको एक्सेस इक्वल्स टू 1 मेंशन करना होता है। सेकंड क्वेश्चन, यूज सम फंक्शन। अब उसी सेम डेटा फ्रेम पे आपको सम फंक्शन का यूज कर लेना है। टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ओवर द इंडेक्स एक्सिस। इंडेक्स मतलब कि रो की बात कर रहे हैं, इंडेक्स एक्सिस पर आपको क्या फाइंड आउट करवाना है, यहाँ पर सम फाइंड आउट करवाना है। तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे सम फंक्शन का, जैसे कि df डॉट सम फंक्शन का यूज किया हुआ है। सेम इसी तरीके से थर्ड पूछा है, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम का मीडियन निकालना है तो मीडियन लगा दिया हमने, मीडियन फंक्शन। सो मीन, मॉड और मीडियन, ये 3 फंक्शंस हमने देखे थे किसके, डेटा फ्रेम के। साथ ही यहाँ पर हमने सम फंक्शन भी देखा था, ड्रॉप, डिलीट वगैरह सारे फंक्शन, रीनेम फंक्शन, सारे फंक्शंस को हमने डिस्कस किया है। सो होप आपको समझ में भी आया, और इन सभी के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक अवेलेबल है, वहां से आप पूरे पेंडास लाइब्रेरी वाले वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो, प्रैक्टिकल के साथ, प्रैक्टिकल भी अवेलेबल है। ओके, 29वां क्वेश्चन, कंपेयर फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर। फ्रीवेयर और शेयरवेयर सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? सो फ्रीवेयर और शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, ये आपका सोसाइटल इंपैक्ट वाला चैप्टर, जहाँ पे हमने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को भी डिस्कस किया था। भाई फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कॉस्ट के आप एक्सेस करते हो, लेकिन इसका जो सोर्स कोड होता है वो अवेलेबल नहीं होता है। आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो सॉफ्टवेयर को, शेयर कर सकते हो, लेकिन उसके सोर्स कोड में चेंजेस नहीं कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज नोन एज फ्रीवेयर। सो इट इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर अस एट नो कॉस्ट, ऑप्शनल फी, या फिर कुछ ऑप्शनल फी होती है थोड़ी बहुत, वो भी आप पे कर सकते हो। वेल, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं बिना कॉस्ट के आपको अवेलेबल होते हैं। फ्रीवेयर इज जनरली प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर अवेलेबल एट जीरो प्राइस and is not free software. The author usually restricts one or more rights to copy, distribute and make derivative works of the software. ठीक है, समझ में आया? इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, ऑथर इसको रेस्ट्रिक्ट करके रखता है, इस पर राइट्स होते हैं कि कौन यूजर ही कॉपी कर सकता है, ठीक है। बट नो कॉस्ट आपको ये अवेलेबल होते हैं, या कुछ ऑप्शनल मिनिमल फीस भी कभी कभी पे करनी पड़ जाती है, राइट। तो ये सारे सॉफ्टवेयर आपके फ्रीवेयर हुए। अब शेयरवेयर सॉफ्टवेयर की बात कर लें तो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर आपको कुछ लिमिटेड टाइम के लिए फ्री मिलते हैं। जैसे कि सपोज आप कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर है, कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, किसी भी हम सॉफ्टवेयर की बात कर लें, तो जो आपको कुछ टाइम के लिए, हम बोले कि ट्रायल पीरियड के लिए फ्री देते हैं, और उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर की फी पे करनी पड़ती है, जिसका सोर्स कोड भी फ्री में अवेलेबल नहीं होता है, उसे हम शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। सो शेयरवेयर इज यूजुअली ऑफर्ड अ ट्रायल वर्जन विद द सर्टेन फीचर्स ओनली अवेलेबल आफ्टर द लाइसेंस इज परचेज्ड और एज अ फुल वर्जन बट फॉर अ ट्रायल पीरियड। वंस द ट्रायल पीरियड हैज पास्ड, The program may stop running until a license is purchased. जब तक आप उसका लाइसेंस परचेज नहीं करोगे, सॉफ्टवेयर को परचेज नहीं करोगे, तब तक ही आपको वो ट्रायल पीरियड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। शेयरवेयर इज ऑफन ऑफर्ड विदाउट सपोर्ट अपडेट्स और हेल्प मेन्यूज विच ओनली बिकम्स अवेलेबल विद इन द परचेज ऑफ लाइसेंस। द वर्ड फ्री ट्रायल और ट्रायल वर्जन आर इंडिकेटिव फॉर शेयरवेयर, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। दोनों ही एक तरीके से हम प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में डाल सकते हैं, दोनों पे राइट्स रहते हैं, कॉपीराइट्स लगे रहते हैं कि आपको जिस टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए दिया जा रहा है, बस तभी तक आप उसको यूज कर सकते हो, आप उसको सोर्स कोड एक्सेस नहीं कर सकते हो। सोर्स कोड एक्सेस नहीं कर पाना मतलब वो प्रोप्राइटर कैटेगरी में ही आ जाते हैं ना। जब आपको सोर्स कोड भी मिल जाता है तभी वो सॉफ्टवेयर फ्री और ओपन सोर्स बन जाते हैं। सो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया ना। ओके आगे बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन 3 मार्क्स में और में मिलेगा। 19 देखा, 23 देखा 2 मार्क्स का, और 29 क्वेश्चन 3 मार्क्स का और में दिया हुआ है। व्हाट इज डिजिटल प्रॉपर्टी, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टी। अगेन सोसाइटल इंपैक्ट का क्वेश्चन है। डिजिटल प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं। सो बहुत ईजी है, वो प्रॉपर्टी जो डिजिटली होती है, चाहे आपका कोई सॉन्ग हो गया, आपका कोई आर्टिकल हो गया, आपका कोई आइडिया, थॉट, व्यू, जो भी आपने डिजिटली प्रिपेयर किया हुआ है, चाहे वो प्रॉपर्टी आपकी पेनड्राइव में, कोई स्टोरेज डिवाइस में आपने क्रिएट किया, कोई डॉक फाइल हो सकती है, प्रेजेंटेशन हो सकती है, कुछ भी, व्हाटएवर जो आपने कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी की मदद से कोई फाइल वगैरह प्रिपेयर की, उसको वेबसाइट के फॉर्म में आपने होस्ट किया हुआ है सर्वर पर, है ना, जो पब्लिकली एक्सेस हो रही है, वो सभी आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी कहलाती है। सो डिजिटल प्रॉपर्टी, हम डिजिटल एसेट भी इसे कहते हैं। रिफर्स टू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट यू आर क्रिएटेड बाय यू दैट एग्जिस्ट इन डिजिटल फॉर्म आइदर ऑनलाइन और इन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, इट में इंक्लूड एनी ऑनलाइन पर्सनल अकाउंट, जिसमें आपका ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट हो सकता है, शॉपिंग अकाउंट हो सकता है, वीडियो गेमिंग अकाउंट, ऑनलाइन स्टोरेज अकाउंट, कुछ भी हो सकता है, और एनी पर्सनल वेबसाइट, ब्लॉग्स, डोमेन नेम रजिस्टर्ड इन योर नेम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा, कुछ भी आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी यहाँ पे बन सकती है, जो इन्फॉर्मेशन आपने सिस्टम में क्रिएट की हुई है। ओके, सो ईजी आंसर है, लिख सकते हो, एग्जाम्पल अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। ओके Now 30th question, consider a table my pet with the following data. इस डेटा के अकॉर्डिंग आपको my pet टेबल क्रिएट करनी है। देखो अब ये टेबल दी हुई है बेसिकली, तो my pet टेबल में क्या क्या कॉलम से देख लें, पेट आईडी, पेट नेम, ब्रीड, लाइफ स्पैन, प्राइस, डिस्काउंट, ठीक है। सो पेट आईडी मतलब यहाँ पर कुछ हमें 5 पेट्स की डिटेल मिल रही है, उनके नाम मिल रहे हैं, किस ब्रीड के हैं, क्या लाइफ स्पान है, कितने टाइम का, कितने प्राइस में अवेलेबल है, और क्या क्या डिस्काउंट्स आपको मिल रहे हैं। क्लियर। अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो देख लेते हैं। पहला राइट एसक्यूएल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेरी यहाँ पे लिखी हुई है डिस्प्ले द ब्रीड ऑफ ऑल द पेट्स इन अपर केस। बहुत इजी, ध्यान से देखो, अपर केस में आपको सारे ब्रीड्स को शो करना है। सो टेबल में देख लो, ब्रीड वाला कॉलम आपको यहाँ शो हो रहा है, ये कुछ स्मॉल और कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। आपको अपर केस में सारे नाम अपर केस में शो करवाने हैं, तो इस कॉलम पर हम कौन सा स्ट्रिंग फंक्शन यूज करेंगे जिससे अपर केस में शो होगा। सो यहाँ पर हम या तो अपर फंक्शन यूज कर लें या यूकेस फंक्शन यूज कर लें, जिसकी मदद से ये सभी जो स्मॉल लेटर्स में कैरेक्टर्स लिखे हुए ये सभी क्या हो जाएंगे, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो कैसे यूज किया है देखो, यू केस आएगा ना, यू पी केस गलत दिखाया। देखो यहाँ पे सिलेक्ट अपर फंक्शन ब्रीड कॉलम पास कर दिया फ्रॉम माई पेट टेबल, सिलेक्ट यू केस ब्रीड कॉलम में फ्रॉम माई पेट टेबल से यूज कर लिया। यू केस फंक्शन समझ में आता है ना, अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रिंग फंक्शन देखा। ऐसे एल केस होता है, यहाँ पे लोअर केस में भी बोल सकते हैं, तो जो अपर केस के लेटर्स थे वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसके लिए लोअर और एल केस फंक्शन यूज करते हैं। ओके नेक्स्ट, डिस्प्ले द टोटल प्राइस ऑफ ऑल दी पेट्स। पेट्स की टोटल प्राइस आपको कैलकुलेट करना है। टोटल प्राइस मतलब ये, इसका टोटल आपको कैलकुलेट करना है। तो एक से ज़्यादा कॉलम रो की वैल्यू को हम एक्सेस करें तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सम फंक्शन को यूज़ कर लेंगे, जो क्या करेगा प्राइस वाले कॉलम का टोटल कैलकुलेट कर देगा। तो सिलेक्ट सम में आपने प्राइस वाला कॉलम पास कर दिया फ्रॉम माई पेट। ओके, डिस्प्ले दी एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ऑल दी पैट्स। एवरेज लाइफ स्पैन निकालना है कि कितना एवरेज लाइफ स्पैन होगा, तो लाइफ स्पैन वाले कॉलम का एवरेज कैलकुलेट करना है, तो एवीजे फंक्शन का यूज कर लेंगे। ये भी अगेन आपका एग्रीगेट फंक्शन हो गया। सो क्या लगा दिया अपन ने, सिलेक्ट एवीजे लाइफ स्पैन वाले कॉलम का नाम फ्रॉम माई पेट टेबल, है ना इजी। क्या यूज किए यहाँ पे आपने, दो एग्रीगेट फंक्शन और एक स्ट्रिंग फंक्शन का यूज किया है। क्लियर, इस तरीके का क्वेश्चन बनता है भाई 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स में। अब यही सेम क्वेश्चन इसमें 2 पॉइंट और ऐड कर देते, हम बोल सकते हैं कि 2 फंक्शंस को और ऐड कर देते, 2 क्वेरीज को, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। यही आपका 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर, नेक्स्ट 38 क्वेश्चन अगेन इन और 30 क्वेश्चन भी आपको और में दिया हुआ है। ब्रीफली एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शन। अब कुछ एसक्यूएल फंक्शंस दिए हुए हैं, इन्हें एक्सप्लेन करना है। तो जब भी फंक्शन एक्सप्लेन करने को आए तो एग्जांपल सिंटैक्स आउटपुट के साथ एक्सप्लेन करके आना, फुल मार्क्स मिलेंगे। किसके साथ, फंक्शन का डिस्क्रिप्शन लिखना, उसका एग्जाम्पल आउटपुट भी लिखकर आना, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। पाव फंक्शन क्या होता है, पावर कैलकुलेट करता है। इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ अ नंबर रेज्ड टू द पावर ऑफ अनदर नंबर। सो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा सिलेक्ट पावर फंक्शन में 5, 3, मतलब 5 की पावर आपको 3 टाइम रेज करनी है, तो 5 × 5 × 5 दैट इज 125 इज द करेक्ट आंसर। पावर फंक्शन एक तरीके से एक्सपोनेंशिएशन क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट लिखा है मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन का क्या काम होता है, देखो पहले जो पावर फंक्शन देखा वो नंबर्स पे अप्लाई हो रहा है, तो न्यूमेरिक फंक्शन की कैटेगरी में मॉड और मिड, इसमें कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना। मॉड फंक्शन का काम होता है रिमाइंडर रिटर्न करना। अब रिमाइंडर कब निकलेगा, जब कोई न्यूमेरिक डिजिट्स को आप डिवाइड करोगे, तो अगेन ये न्यूमेरिक मैथ फंक्शन हो गया। इट रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ अ नंबर डिवाइडेड बाय अनदर नंबर। किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो तो जो नीचे रिमाइंडर बचता है उसको रिटर्न करता है। कैसे, सिलेक्ट मॉड में 5, 3 लिखा, तो मतलब कि 3 से आप 5 को डिवाइड कर रहे हो, 3 × 1 = 3। यहाँ पर जो रिमाइंडर रिटर्न हो रहा है ये रिमाइंडर, तो यही रिटर्न किया किसने, मॉड फंक्शन ने एज ए आउटपुट, दैट इज 2। तो मिड क्या हो गया आपका, न्यूमेरिक फंक्शन जो रिमाइंडर रिटर्न कर रहा है। यदि मिड आता तो मिड क्या होता, स्ट्रिंग फंक्शन होता, किसी गिवन स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करके देता, आपको क्या देता, सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करके, मतलब कुछ इस तरीके से। यहाँ पे यदि आपने लिखा मैग्नेट ब्रेन्स, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है, और इसमें से यदि आपको यहाँ से किससे 8 कैरेक्टर से स्ट्रिंग को फाइंड आउट करवाना है, तो 8 कैरेक्टर से ब्रेन्स मिल रहा है, ये आपको एज ए सब स्ट्रिंग फाइंड आउट हो जाएगा। तो मिड क्या करता है, मिड आपको स्ट्रिंग फंक्शन है, सब स्ट्रिंग को सर्च करके रिटर्न करता है, और मॉड क्या करता है, न्यूमेरिक फंक्शन है और रिमाइंडर रिटर्न करता है 2 नंबर को डिवाइड करने के बाद। ओके, नेक्स्ट सेक्शन डी, सेक्शन सी तक कंप्लीट कर लिया। 5 क्वेश्चंस देख ले 3 नंबर के कैसे आ रहे हैं। सेक्शन डी में आपको 5 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको यहां पर लिखना है। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है, केयरफुली ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल नेम्ड स्टॉक। स्टॉक नाम की टेबल आपको यहां दिख रही है, इसको केयरफुली ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है इस टेबल में। इस टेबल में प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, प्रोडक्ट का आईडी लिखा हुआ है, कैटेगरी, क्वांटिटी, प्राइस, कि स्टॉक में ये जो प्रोडक्ट है कितने प्रोडक्ट है, 6। किस नाम से है, कीबोर्ड माउस स्विच मॉनिटर प्रिंटर ये हैं। कैटेगरी क्या है, इनपुट आउटपुट है, नेटवर्क डिवाइसेस हैं। क्वांटिटी 15-10 इस क्वांटिटी में अवेलेबल है। प्राइस कुछ इस तरीके से है 450, 350 लाइक दिस। ओके, तो ये हमने स्टॉक टेबल को एनालाइज कर लिया, देख लिया। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा, पहला लॉन्ग आंसर के अकॉर्डिंग हमें एसक्यूएल क्वेरी लिखना है। सो टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस, प्राइस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग समझ रहे हो ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्राइस को आपको सॉर्ट करवा के लिखना है, जिसके लिए हम यूज करते हैं। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में यदि किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को आपको लिखना है तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज का। तो प्राइस कॉलम को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में शो करना है तो ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज कर लोगे। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टॉक ऑर्डर बाय प्राइस, और डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो डीईएस से लिखा। इसके पहले के पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ऑर्डर बाय क्लॉज में डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है ऑर्डर बाय क्लॉज, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो डीईएससी कमांड लिखना पड़ेगा। ओके, अब सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना है तो स्टार का यूज कर लिया। ओके, क्योंकि जो ऑर्डर बाय क्लॉज है वो सभी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करेगा। ओके, नाउ टू डिस्प्ले कैटेगरी एंड कैटेगरी वाइज टोटल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट, क्या बोला है, कैटेगरी वाइज, ये जो कैटेगरी रिपीटेड है ना, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या शो करवाना है, इसके अकॉर्डिंग हमें टोटल क्वांटिटी, प्रोडक्ट की टोटल क्वांटिटी, ध्यान से देखो, इस कैटेगरी में आपको टोटल क्वांटिटी शो करवानी है कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज मतलब यहाँ पे यूज करोगे आप ग्रुप बाय क्लॉज का, क्योंकि एक से ज्यादा कैटेगरी रिपीट हो रही है तो ग्रुप बाय किस पे अप्लाई करोगे, कैटेगरी पे, ठीक है। और टोटल किसका होगा, कैटेगरी वाइज ही टोटल होगा, समझ में आ रहा है, कैटेगरी वाइज ही टोटल। तो टोटल करने के लिए ग्रुप बाय के साथ जिस एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे वो होगा सम फंक्शन। सो आपको क्या करना है, इस पर ग्रुप बाय अप्लाई करना है, इस पर सम फंक्शन अप्लाई कर देना है। देख लेते हैं क्या क्वेरी है। सिलेक्ट कैटेगरी सम ऑफ क्वांटिटी, क्लियर, ये दोनों अच्छे समझ आए, फ्रॉम स्टॉक टेबल ग्रुप बाय कैटेगरी। कैटेगरी में इनपुट आउटपुट और नेटवर्क डिवाइसेस के एक एक ग्रुप बन गए और उसकी जो भी क्वांटिटी है उनका एडिशन हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट टू डिस्प्ले द कैटेगरी एंड इट्स एवरेज प्राइस। अब आपको क्या डिस्प्ले करना है यहाँ पर, कैटेगरी और एवरेज प्राइस, कि कैटेगरी भी शो हो और कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्राइस भी शो हो। सो यहाँ पे देखो अगेन कैटेगरी के साथ अभी हमने सम फंक्शन अप्लाई किया था, बस सम की जगह पे आपको क्या कर देना है, एवरेज लिख देना है। एवीजे फंक्शन का काम होता है एवरेज कैलकुलेट करना, सम का काम होता है सम कैलकुलेट करना। ग्रुप बाय हमेशा यूज किया जाता है एग्रीगेट फंक्शन के साथ ही, सम मिन मैक्स काउंट। ओके, सो एवीजे फंक्शन के साथ में यहाँ पे ग्रुप बाय यूज हो गया, सम की जगह एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा, कैटेगरी भी शो होगा एवरेज भी शो होगा, मतलब नेटवर्क के जो डिवाइसेज हैं उनके सम देखा प्रीवियस में, सम की जगह पे अब हर एक डिवाइस का एवरेज आपको यहाँ पे शो होगा। नाउ टू डिस्प्ले कैटेगरी एंड कैटेगरी वाइज हाइएस्ट प्राइस, अगेन सेम क्वेश्चन बट यहाँ पे आपको हाईएस्ट प्राइस निकालना है तो मैक्स फंक्शन का यूज कर लेना है। सिलेक्ट कैटेगरी कॉमा मैक्स प्राइस फ्रॉम स्टॉक ग्रुप बाय कैटेगरी, मिनिमम निकालना होता तो मैक्स की जगह आप मिनिमम यूज कर लेते हैं। ओके, ई वाला पार्ट क्या दिया हुआ है, ओके डी तक ही फाइन, तो ये समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखो मिनिमम भी दिया रहेगा तो आप मिनिमम को अप्लाई करके आ सकते हो, फाइन। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर का पहला क्वेश्चन भी आपको चॉइस में मिलेगा। क्या, राइट द नेम ऑफ फंक्शंस टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस, इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कौन से फंक्शन का आप यूज करोगे, फंक्शन का नाम लिखना है। सो टू डिस्प्ले द डे लाइक मंडे ट्यूसडे फ्रॉम द डेट व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला था, मतलब इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस पर्टिकुलर डेट पर कौन सा दिन था, लाइक मंडे था ट्यूसडे था, इसे डिस्प्ले करवाना है तो हम किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, मतलब कुल मिला के आपको डे नेम फंक्शन का यूज़ करना है। किसी पर्टिकुलर डेट पर कौन सा डे हो रहा है उसका नाम जानना है तो डे नेम फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से पर्टिकुलर डेट पर कौन सा मंथ है, मंथ का नाम जानना है तो मंथ नेम फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, डे नेम फंक्शन, ठीक है। अब हमें पता है तो उसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, डे नेम, डे नेम में आपको डेट पास करनी है तो डेट क्या है 15 अगस्त 1947, इस डे को हम क्या हुए थे, आजाद हुए थे, इंडिपेंडेंस का डे। तो 15 अगस्त 1947 में इस 15th डेट पर कौन सा दिन था, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे में से वो डे आपको रिटर्न होगा, मान के चलते हैं मंडे था तो मंडे आपको रिटर्न होगा एज ए आउटपुट। क्लियर, कैसे यूज करना है समझ में आ गया, फाइन। टू डिस्प्ले द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, टू डिस्प्ले द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ गिवन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की किसी पोजीशन से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब वही बात सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना है। तो किस फंक्शन का यूज करते हो? मिड का। यहाँ पे आप सब str भी लिख सकते हो, ये भी वही काम करता है, सब स्ट्रिंग का नाम भी लिख सकते हो, ये भी वही काम करता है। कैसे यूज किए जाते हैं दो बार बता चुकी हूँ पूरे सैंपल पेपर में, अभी भी लास्ट टाइम भी बताया था। मैग्नेट ब्रेन्स में से ब्रेन्स को एक्सट्रैक्ट किया था 8th पोजीशन से, वो यही काम था। ठीक है, मिड फंक्शन पूछते हैं, मॉड फंक्शन पूछते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, सब एसटीआर एसटीआर सब एक जैसे वर्क करते हैं। थर्ड, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द मंथ इन विच यू वर बॉर्न, आप किस मंथ में बॉर्न हुए थे, है ना, तो आपको यहाँ पर मंथ का नाम बताना है। क्लियर, जैसे कि मैंने अभी बताया है ना। सो आप क्या करोगे यहाँ पर मंथ फंक्शन या मंथ नेम को यूज कर लेना, और जो भी डेट होगी, सपोज आपने अपनी डेट लिख दी है ना, तो जो भी आपकी डेट होगी उसके अकॉर्डिंग जो भी डे होगा, जिस डे को आपने जन्म लिया था, बर्थडे था पर्टिकुलर, वो डे मंथ नेम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वो आपको मिल जाएगा। किस तरीके से यूज होगा ये भी देख लिया। नेक्स्ट, टू डिस्प्ले योर नेम इन कैपिटल लेटर, आपके नाम को कैपिटल लेटर में डिस्प्ले करना है, मतलब अपर केस में शो करना है। सो विच फंक्शन इज यूज्ड, अभी प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, अपर या यू केस को आपको लिख देना है। कैसे लिखोगे? इसमें आपको अपना नाम लिख देना है। सपोज मैंने मेरा नाम लिखा बरखा, ठीक है, तो अब ये यू केस फंक्शन की मदद से आपको सारे लेटर्स कैसे दिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में शो होंगे। दिस इज द आउटपुट। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे एग्जाम्पल आउटपुट के साथ भी लिखकर आ सकते हो। मैंने यहाँ पे जस्ट आपको फंक्शन का नाम बताया है ना, एग्जाम में आपको कैसे लिखकर आना है, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ, फंक्शंस और आउटपुट के साथ। क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग है, लॉन्ग आंसर है, तो जितना ज्यादा अच्छे वे में आप इसको एक्सप्लेन करोगे उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट 32 क्वेश्चन इज Intelligent Hub India is knowledge community aimed to uplift the standard of skills and knowledge in the society. Okay, अभी कंपनी की बात यहाँ पर हो रही है। It is planning to set up its training centers in multiple towns and villages pan India with its head office इन दी नियरेस्ट सिटीज। भैया अब ये कंपनी क्या चाहती है, ट्रेनिंग सेंटर्स को मल्टीपल टाउन्स में स्टैब्लिश करना चाहती हैं। दे हैव क्रिएटेड अ मॉडल ऑफ देयर नेटवर्क विद अ सिटी, ठीक है, सिटी में वो एक मॉडल शो कर रहे हैं जो कि उन्होंने नेटवर्क का क्रिएट किया हुआ है टाउन में और 3 विलेजेस में। अब वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, एज अ नेटवर्क कंसल्टेंट यू हैव टू सजेस्ट द बेस्ट नेटवर्क रिलेटेड सोल्यूशन फॉर देयर शूज प्रॉब्लम्स रेज्ड इन 1 to 5 कीपिंग इन माइंड दैट डिस्टेंस बिटवीन वेरियस लोकेशंस एट गिवन पैरामीटर्स। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये हम पहले देख लें कि कैसा मॉडल है, विलेजेस में टाउन्स में किस तरीके कंप्यूटर्स अरेंज किए गए हैं। तो एक नेटवर्क कंसल्टेंट के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा बेस्ट सूटेड सॉल्यूशन होगा। मतलब कुछ यहाँ पर इस कंडीशन पर बेस्ड आपको 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। सो ये है कुछ जो नेटवर्क अलग अलग टाउन में विलेजेस में लगाए हुए हैं उसका लेआउट बेसिकली देखा जाए तो। ये हेड ऑफिस हो गया, एक्स सिटी में प्लेस्ड है, वाई हब जो है अलग अलग विलेजेस में टाउन में जो प्लेसेस्ड है, ठीक है। अब इस पर बेस्ड क्या क्वेश्चंस और कैसे सॉल्व करने, तो सैंपल पेपर जो प्रीवियस सॉल्व किए हैं उनमें ये वाला जो क्वेश्चन है बेसिकली सेक्शन डी का आपका इंटरनेट वेब पर बेस्ड है, वो ऐसा ही पूछा है, कुछ थ्योरेटिकली लिखने को नहीं आएगा, आपको इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख लो क्या क्या दी हुई है। विलेज 1 वाई टाउन की 2 किलोमीटर, विलेज 2 वाई टाउन की 1.2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3.5, 4.5, 3.5, 30 इस तरीके से दी हुई है डिस्टेंसेस। ओके, अब हेड ऑफिस जो है वहां से वाई हब की डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। नाउ देखते हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन से पहले देख लें कि हर एक टाउन विलेज में कितने कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड है। डिस्टेंस तो हमने देख ली। सो नंबर ऑफ कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एट वेरियस लोकेशंस आर एज फॉलो। वाई टाउन में 100 कंप्यूटर्स है, विलेज 1 में 10 है, विलेज 2 में 15 है, विलेज 3 में 15 है और सिटी ऑफिस में 5 कंप्यूटर्स है। ओके, अब एक नोट इस पर बेस्ड दिया है क्या कि इन विलेजेस देयर आर कम्युनिटी सेंटर्स इन विच वन रूम हैज बीन गिवन एज ट्रेनिंग सेंटर टू दिस ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्टॉल कंप्यूटर्स, ठीक है। अब क्या बताया यहाँ पे कि विलेज में एक कम्युनिटी सेंटर है, ठीक है, जिसमें ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है उस रूम को और वहाँ पे कंप्यूटर्स को इंस्टॉल किया गया है, जो ट्रेनिंग देने के लिए बेसिकली रूम क्रिएट किया है। सो द ऑर्गेनाइजेशन हैज गॉट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड टॉप IT कंपनीज। ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर सपोर्ट की भी नीड है, क्लियर, गवर्नमेंट और टॉप IT कंपनीज से। तो ये हमने नोट देख लिया, फाइन। अब क्वेश्चन पहला, suggest the most appropriate location for the server in the Y hub। आउट ऑफ द 4 लोकेशन। वाई हब में हमने 3 विलेजेस देखी और एक टाउन देखा। अब इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा वाई हब में जगह होगी जहां पे आप सर्वर को लोकेट कर पाओगे टू गेट द बेस्ट एंड इफेक्टिव कनेक्टिविटी, जिससे सभी को इफेक्टिव कनेक्टिविटी मिल पाए। जस्टिफाई योर आंसर। तो हमने क्या देखा डायग्राम में भैया? वाई हब में जो विलेज 1 है, विलेज 2 है, विलेज 3 है, यहाँ बीच में आपका टाउन है। तो टाउन में ही यदि आप सर्वर दोगे तो वो सारे विलेजेस तक इजीली जो है क्लाइंट्स तक रिक्वेस्ट को फुलफिल कर पाएगा, है ना। सो जस्टिफिकेशन क्या किया हमने यहाँ पे कि वाई टाउन को सिलेक्ट किया सर्वर के लिए, सिंस इट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, उसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स भी है और क्लोजेस्ट टू ऑल लोकेशन, सारी लोकेशन से क्लोजेस्ट भी है, मतलब विलेज 1, विलेज 2, विलेज 3 से ज़्यादा नियर में भी है, सेंटर में है एकदम, और सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स भी वाई टाउन में है, है ना। देखा था 100 कंप्यूटर्स वाई टाउन में थे। नेक्स्ट, suggest the best wired medium and draw the cable layout location to location to efficiently connect various locations within the Y hub। Y hub में आपको केबल्स का लेआउट भी बनाना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लेआउट तो बना सकते हो, लेकिन कौन सा वायर्ड मीडियम आप यहाँ यूज करोगे? ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर। तो सबसे बेस्ट क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर, तो हम उसी का यूज करेंगे। हाई स्पीड से डेटा ट्रांसमिट होता है, ठीक है, कुछ डैमेज भी होता है तो इजिली रिपेयर हो सकता है, बट हाँ ये एक्सपेंसिव होता है, राइट। नेक्स्ट, विच हार्डवेयर डिवाइस विल यू सजेस्ट टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स विद इन ईच लोकेशन ऑफ वाई हब? वाई हब के हर एक विलेज, हर एक टाउन में आप किस सेंट्रल स्विचिंग डिवाइस का यूज करोगे नेटवर्क में सभी हार्डवेयर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए? तो हब और स्विच एक सेंट्रल स्विचिंग डिवाइस होता है जिसका यूज करते हैं हम नेटवर्क में कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करवाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। सो हब और स्विच दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हो। विच सर्वर और प्रोटोकॉल विल बी मोस्ट हेल्पफुल टू कंडक्ट लाइव इंटरैक्शंस ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम हेड ऑफिस एंड पीपल एट वाई हब लोकेशन? अब हेड ऑफिस और वाई हब के बीच में 30 किलोमीटर का डिफरेंस है। अब ये डिस्टेंस ज़्यादा है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे यदि कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, लोगों को मीटिंग अटेंड करनी है, फेस टू फेस ऑनलाइन कम्युनिकेशन करना है, इंटरैक्शन करना है, तो उसके लिए कौन सा सर्वर और कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा? सो उसके लिए हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ करेंगे। फेस टू फेस ऑनलाइन मीटिंग इसके थ्रू आप ले सकते हो, ठीक है, जिसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है? दैट इज़ VOIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है ना। सो करेक्ट प्रोटोकॉल आपका VOIP होगा, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन में आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम भी पूछ सकते हैं। सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप किसके थ्रू कर सकते हो? स्काइप के थ्रू कर सकते हो, गूगल मीट, जूम, डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनका नाम भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। फाइन। नाउ 5th क्वेश्चन लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन हब एंड स्विच। तो अब यहाँ पर हब और स्विच का यूज़ कर रहे हो आप हर एक विलेज और टाउन में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, तो हब और स्विच में डिफरेंस क्या है? ठीक है, सो हब क्या होता है? हब इज अ सिंपल एंड चीप नेटवर्किंग डिवाइस दैट वर्क्स अंडर द फिजिकल लेयर ऑफ द OSI मॉडल एंड कनेक्ट्स अ बंच ऑफ कंप्यूटर्स इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। इट इज कंसीडर्ड लेस इंटेलिजेंट बिकॉज इट डज नॉट फिल्टर डेटा एंड डज नॉट नो वेयर द डेटा इज टू बी सेंट। सो हब और स्विच का डिफरेंस हमने सबसे पहली नंबर के क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया था सैम्पल पेपर के, राइट। और हमें अच्छे से पता है कि हब और स्विच में क्या डिफरेंस होता है। सो हब वो नेटवर्किंग डिवाइस होता है जिसकी मदद से सारे कंप्यूटर्स को आप नेटवर्क में कनेक्ट करते हो, बट ये लेस इंटेलिजेंट होता है क्योंकि यहाँ पे जो डेटा होता है पैकेट्स के फॉर्म में आता है, वो फिल्टर नहीं किया जाता है, डेटा कोलाइड होने के चांसेस होते हैं। और हब एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस है, मतलब कि जो भी डेटा उसके पास में है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक शेयर करना है, वो नेटवर्क में कनेक्टेड सभी सिस्टम तक पहुँचता है, ठीक है। लेकिन स्विच एक इंटेलिजेंट हब की तरह यूज किया जाता है बिकॉज इट इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट वर्क्स अंडर द डेटा लिंक लेयर ऑफ OSI मॉडल एंड कनेक्ट्स अ बंच ऑफ कंप्यूटर्स और डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। इट्स मेनली यूज टू सेंड अ प्राइवेट मैसेज एंड इट डज नॉट वेस्ट डेटा। यहाँ पर डेटा कोलाइड होने के चांसेस नहीं होते हैं। सोर्स डेस्टिनेशन नोड का स्विच को पता होता है और यूनिकास्ट डिवाइस होता है, मतलब कि यहाँ पर सोर्स डेस्टिनेशन तक ही डेटा ट्रांसफर होता है, पूरे नेटवर्क में जितने डिवाइसेस हैं सभी तक डेटा नहीं पहुँचता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर पे वर्क किया जाता है, ठीक है। अब OSI मॉडल पे डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा ट्रांसफर होता है ना, तो OSI की 7 लेयर्स होती है जिनसे होता हुआ डेटा ट्रांसमिट होता है, पैकेट्स में डिवाइड होता है ना। फिर पैकेट्स में डिवाइड होने के बाद में डिफरेंट लेयर्स का काम होता है कि डेटा को सही तरीके से ट्रांसमिट करे रिसीवर तक, ओके। नाउ 33 क्वेश्चन 32 तक हमने डिस्कस कर लिया। राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट अ हॉरिजॉन्टल बार चार्ट फ्रॉम द हाइट ऑफ सम स्टूडेंट्स। अब जैसे कि मैंने बताया कि डेटा यूजिंग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी वाले चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा, वो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, जो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 33 में ही दिखेगा, जिसमें आपको बार चार्ट, ग्राफ चार्ट वगैरह बनाना है डिफरेंट टाइप के। जैसे हमने पढ़ा था पाई चार्ट, बॉक्स प्लॉट, बार एच हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, वर्टिकल ग्राफ, ठीक है, लाइन चार्ट, स्कैटर चार्ट, ये डिफरेंट टाइप के चार्ट ग्राफ पढ़े थे ना, बस उन्हीं पर बेस्ड 33 क्वेश्चन आपको दिखेगा अपने पेपर में, ठीक है। सो यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बनाना है। हॉरिजॉन्टल बार चार्ट कुछ इस तरीके से बनता है, सभी ने देखा है ना, एक्स वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके लिए हम बार एच फंक्शन का यूज़ करते हैं, और वर्टिकल बार चार्ट यदि बनाना है तो उसके लिए हम बार फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो वर्टिकल बार ग्राफ इस तरीके से बनता है, राइट। तो हमने ये तो एनालाइज कर लिया कि यहाँ हमें बार एच फंक्शन का यूज़ करना है। अब एक्स वाई एक्सिस आपको पता होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आप बार एच फंक्शन में एक्स वाई एक्सिस को पास कर सकते हो, साथ ही इसमें आप कुछ पैरामीटर्स एक्सेस कर सकते हो, आपको बार चार्ट का जो हॉरिजॉन्टल बार्स उनका कलर कैसे रखना है, ये वो सब सारी चीज़ें आप पैरामीटर एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहला काम क्या होता है, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को आपको एज ए पीएलटी इंपोर्ट कर लेना है, जैसे पेंडास नंपाई को इंपोर्ट करते हैं। फिर आपको एक्स वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यूज पास करनी होती है लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने दो लिस्ट बना ली, हाइट और नीड्स, ठीक है। हाइट क्या हो जाने वाली है, जिस पर आपका बार ग्राफ बनना है, वो हाइट हमने यहाँ मेंशन कर दी। नेम उसी के अकॉर्डिंग हमने मेंशन कर दिए, आसमा, बेला, क्रिश, दिया, साकिब, ओके, 5.1, 5.2 इस तरीके से उनकी हाइट है, ठीक है। अब आपको हॉरिजॉन्टल बार चार्ट में इस पर्टिकुलर डेटा के अकॉर्डिंग प्लॉट करना है। हाइट और नेम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रहेंगे। तो हमने पीएलटी की मदद से plt डॉट बार एच, जैसे पेंडास को आप pd से इंपोर्ट करते हैं, वैसे ही मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट को plt से इंपोर्ट किया है। सो plt डॉट बार एच, नेम्स और हाइट्स को आपने एज ए एक्स एक्सेस वाई एक्सेस यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। सी पैरामीटर कलर के लिए यूज होता है, वो भी यूज कर सकते हो। अब एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पे लेबल्स भी यदि आपको शो करवाना है, हाइट नेम्स, तो आपने एक्स लेबल वाई लेबल मैथड का यूज कर लिया। ग्राफ आपको शो करवाना है तो शो मेथड का यूज़ कर लिया। सो ये कुछ नेसेसरी मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, बार चार्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप ड्रॉ कर सकते हो, शो करवा सकते हो। कैसा ग्राफ दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपको एक्स लेबल दिख रहा है, ये वाई लेबल दिख रहा है, ये आपकी लिस्ट हो गई हाइट वाली, ये लिस्ट हो गई नेम्स वाली, जिसकी मदद से ये आपका ग्राफ बन गया, कुछ 5.1, 5.6 समथिंग इस पॉइंट्स पर, ओके। तो समझ में आ गया कैसे ड्रॉ करना है। क्या कोड बेसिकली आपको लिखना है, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिस ग्राफ को आपको ड्रॉ करना है, उस ग्राफ का फंक्शन, और उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो पास करना कंपलसरी है ही। लेबल शो करवाना चाहते हो तो एक्स लेबल वाई लेबल आपको बताना जरूरी है। प्लॉट को शो करवाना है तो शो करवा लो। सबसे पहली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट को इम्पोर्ट करना है। ये यदि आपको याद है तो आप इजिली किसी भी ग्राफ चार्ट को बना सकते हो। 33 क्वेश्चन और में मिलेगा, ठीक है। सो डरने की बात नहीं है। कौन सा ग्राफ चार्ट आएगा, यहाँ पे और में क्वेश्चन आएगा, तो कम से कम आप 4 से 5 ग्राफ चार्ट तो अच्छे से कर लेना, ताकि और में आ गया तो कोई एक तो अच्छे से करके आओगे, 3 तो कर ही लेना जो इंपॉर्टेंट है। देखो, बार ग्राफ इंपॉर्टेंट है, स्कैटर इंपॉर्टेंट है, लाइन इंपॉर्टेंट है, इसके अदर बॉक्स प्लॉट, पाई चार्ट, इनके आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, लेकिन ये 3 आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इन 3 को तो बहुत ही अच्छे से कर लेना, बाकी भी कर ही लेना, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से करवाया ही है। प्रैक्टिकल के साथ हर एक ग्राफ चार्ट को कैसे बनाया जाता है, किन पैरामीटर्स का यूज़ किया जाता है, कैसे चेंज कर सकते हो, सब समझाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। TSS School celebrated volunteering week where each section of class 11th dedicated a day for collecting amount of charity being supported by the school, ठीक है। क्या बताया, TSS School है जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वॉलंटियरिंग वीक को, जहां पर क्लास 11th को डेडिकेटेड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखो, इसके लिए जो अमाउंट दिया है वो चैरिटी ने पे किया है। सेक्शन A वॉल्यूंटरीड ऑन मंडे, B ऑन ट्यूसडे, C ऑन वेडनेसडे एंड सो ऑन। इस तरीके से वॉल्यूंटरिंग करना है क्लास 11th के स्टूडेंट्स को, ओके। देयर आर 6 सेक्शंस इन क्लास 11th, मतलब क्लास 11th में 6 सेक्शन है, 6 सेक्शन के हर एक दिन पर स्टूडेंट को वॉल्यूंटरिंग करनी है। अमाउंट कलेक्टेड बाय सेक्शन A to F आर 8,000, 12,000, 900, 9,800, कुछ इस तरीके से अमाउंट कलेक्ट हुआ है हर क्लास से। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ पाई चार्ट फॉर शोइंग कलेक्शन अमाउंट सेक्शन वाइज। अब सेक्शन वाइज कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है, इसको आपको कैसे शो करना है एक पाई चार्ट में। अब पाई चार्ट एक सर्कुलर चार्ट होता है ना, देखा है ना, समझ में आता है ना। पाई चार्ट कुछ इस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। सो ये हर एक सेक्शंस होते हैं, तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पे 6 सेक्शन क्रिएट होंगे। कितने सेक्शन? 6 सेक्शन क्रिएट होंगे। अब ये जो 6 सेक्शन है इनका जो लेंथ होगा, ये कितने कितने पार्ट में इनका जो विड्थ होगा, जो सेक्शन जो होंगे किस एरिया के अकॉर्डिंग होंगे, वो ये पर्टिकुलर आपके अमाउंट के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, समझ में आया। तो पाई चार्ट क्रिएट करने के लिए हम जिस फंक्शन का यूज करते हैं वो पाई फंक्शन होता है। पाई फंक्शन में आपको दो चीज़ें स्पेसिफाई करनी होती हैं यहाँ पे, एक तो कॉल्स मतलब एक लिस्ट जिसमें आपको जिसके अकॉर्डिंग सेक्शन क्रिएट करना है, दूसरा हर एक सेक्शन पे क्या लेबल सेट करना है वो लेबल ध्यान रखना। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉल्स मतलब यहाँ पर आपकी जो लेंथ होती है ना सेक्शंस की, कि वो सेक्शन कितने विड्थ में कितने आर्क में डिवाइडेड होंगे, वो मेन पॉइंट होता है। वही लिस्ट आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट पास करना है, उसी के अकॉर्डिंग पाई चार्ट बनता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया matplotlib.pyplot.plt। कॉल नाम की क्या ले ली, एक हमने लिस्ट बना ली जिसमें वो जो अमाउंट था वो सब स्टोर करवा दिया, तो लिस्ट में आ गया ये। अब इस लिस्ट को आप पाई वाले फंक्शन में पास कर दो, तो उसी के अकॉर्डिंग देखो 8000, 12000, 900, 800, 11200 है ना। तो सबसे ज़्यादा जो है ये 15500 के अकॉर्डिंग क्रिएट हो जाएगा। सबसे छोटा जो आपको दिख रहा है वो यहाँ पे 7300 के अकॉर्डिंग सेक्शन है। ये लेवल हमने ABCDE, ये X लेवल के अकॉर्डिंग ये सेक्शन दिख रहा है ना आपको, सेक्शन में ABCDE, तो ये लेवल्स आपको शो हो रहे, तो इन दोनों को हमने यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है, और हेडिंग रख दी, क्या टाइटल क्या रख दिया हमने इसका, तो plt.title मेथड से टाइटल भी सेट कर दिया, plt.show मेथड से आपने इस ग्राफ को शो करवा लिया, है ना इजी। सो पाई चार्ट प्लॉट करने के लिए आपको क्या जरूरी है, पाई चार्ट प्लॉट करने के लिए आपको अगेन दो चीजें जरूरी है, एक सेक्शन और दूसरा यहाँ पर आपको सेक्शन कितने आर्क में डिवाइड होना चाहिए, क्या उसकी विड्थ होनी चाहिए वो, बेसिकली है ना सर्क्यूलर आर्क कितने कितनी होना चाहिए, वो सेक्शन आपको स्पेसिफाई करना है। सो दो चीजें आपको पाई फंक्शन में स्पेसिफाई कर देना है, प्लॉट शो करवा लेना है, और यदि आप टाइटल सेट करना चाहते हो तो आप टाइटल भी यहाँ मेंशन कर सकते हो। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब सेक्शन ई पर हम आ गए, सेक्शन डी हमारा फिनिश हो गया है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमने देख लिए। सेक्शन ई आपका केस बेस्ड है ना, केस बेस्ड मतलब कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। 4 मार्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि 33 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, 34 एंड 35, यहाँ आपको चॉइस भी मिलेगी 33, 34, 35 क्वेश्चन में भी। 34 क्वेश्चन MySQL पर बेस्ड कुछ इस तरीके से है, कंसीडर द टेबल एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज। ये टेबल आपको यहाँ पे दिख रही है, इस पर बेस्ड कुछ क्वेरीज होंगी, उनका आउटपुट आपको देना है। प्रोडक्ट टेबल हमें यहाँ पर दिख रही है, प्रोडक्ट मास्टर नाम से ये टेबल है आपकी, प्रोडक्ट में आपको आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 इस नाम से प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी दी हुई है, कंपनी 1, 2, 3 कंपनी, क्योंकि एक कंपनी के एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आइटम हो सकते हैं, तो यहाँ पे कंपनी वाले कॉलम की वैल्यूज रिपीटेड आपको दिखेगी। क्वांटिटी दिख रही है आपको, रेट दिख रहा है, कॉस्ट दिख रही है। ओके, आप देख लेते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। पहली क्वेरी लिखिए, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल। अब प्रोडक्ट टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर मास्टर, इस तरीके की टेबल है आपकी, ये टेबल का नाम है। इस टेबल से आपको क्या करवाना है, काउंट फंक्शन का यूज कर लिया, आपको यहाँ पर रिकॉर्ड्स को काउंट करवाना है, वो भी स्टार के साथ, मतलब विथ नल वैल्यूज रिकॉर्ड काउंट होंगे, नल वैल्यूज के साथ रिकॉर्ड काउंट होंगे। सो कितने रिकॉर्ड्स हैं इस टेबल में, जैसे कि हम देख रहे हैं आइटम 1 से लेकर आइटम 10, 10 रिकॉर्ड्स है ना, यदि नल वैल्यूज भी होती तो भी काउंट हो जाता। सो काउंट स्टार ने क्या आउटपुट दिया आपको, कि 10 रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल इन दिस टेबल। नेक्स्ट, सिलेक्ट काउंट स्टार, अगेन काउंट फंक्शन यूज हो रहा है, फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल वेयर, जहां पर रेट ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 20, ये आप कंडीशन दे दी, जहां पर रेट वाले कॉलम में 20 से ज्यादा रेट मिलेगा उसी को काउंट करें। तो रेट वाले कॉलम में 20 से ज्यादा जहां मिल रहा है या 20 के इक्वल जहां मिल रहा है उसी को काउंट करें। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका रेट 20 या 20 से ज्यादा है, तो काउंट फंक्शन ने सिर्फ उन्हीं को काउंट किया है। कंडीशन थी रेट ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 20 या 20 से ज्यादा। नेक्स्ट, सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट कंपनी, जब काउंट फंक्शन में आपने किसी कॉलम का नाम लिख दिया, कॉलम का नाम, तो वो नॉनल वैल्यूज को काउंट करता है, और यहाँ पे कंपनी में भी सिर्फ डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड को, डुप्लीकेट को काउंट नहीं करेगा। फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल, तो देखो यहाँ पे आ जाओ कंपनी में, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3 है ना, बाकी तो रिपीटेड हो रही है, तो डिस्टिंक्ट क्या दिख रहा है आपको, कंपनी 1, 2 और 3 है ना। सो आउटपुट में क्या शो हुआ आपको, 3 ऐसी कंपनीज हैं, कंपनी 1, 2, 3 जो कंपनी वाले कॉलम में वैल्यूज हैं, ठीक है, बाकी जो है वो सब रिपीट हो रही है। तो डिस्टिंक्ट लिखा था इसलिए 3 ही काउंट हुआ। अगर ये डिस्टिंक्ट नहीं लिखते तो जितने 10 रिकॉर्ड्स थे पूरे 10 काउंट होके यहाँ पे शो होते हैं, रिपीटेड भी काउंट होते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट कंपनी काउंट स्टार, अब यहाँ पे आपको कंपनी भी शो होगी और काउंट भी होगी कंपनीज। फ्रॉम प्रोडक्ट नेम टेबल ग्रुप बाय कंपनी, वाह वेरी गुड। कंपनी को ग्रुपिंग करना है, कंपनी में जो कंपनी 1 2 3 है वो कितनी बार आ रहा है उसका ग्रुप बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग काउंट होगा। समझ में आई मेरी बात। सो यहाँ पे इस क्वेरी के अकॉर्डिंग देखो कंपनी 1 1 2 3 4 5 5 बार आ रहा है तो 5 टाइम्स कंपनी 1 काउंट हुआ, कंपनी 2 2 बार आ रहा है और कंपनी 3 2 बार आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे काउंटिंग कैसे हुई, कंपनी के अकॉर्डिंग, कॉलम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ग्रुप क्रिएट किया गया ग्रुप बाय क्लॉज से, कंपनी 1 का अलग, कंपनी 2 का अलग, कंपनी 3 का अलग। फिर काउंट फंक्शन ने उन ग्रुप्स में काउंट किया कि कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है। सो 5 कंपनी 1, 3 कंपनी 2 और कंपनी 3 2। समझ में आ गया कैसा आउटपुट आया आपको। नाउ सिलेक्ट कंपनी काउंट स्टार अगेन फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल, अगेन ग्रुप बाय कंपनी। अब इसमें भी कंडीशन लगा दी, हैविंग काउंट ग्रेटर देन इज 2, मतलब जिसमें कंपनी 2 से ज्यादा है, जिस आइटम की, जिस प्रोडक्ट की, उसी को काउंट करें। सो 2 से ज्यादा हमने क्या करा, कैसे कंडीशन लगाई, हैविंग क्लॉज की। तो ग्रुप बाय हमेशा हैविंग क्लॉज के साथ यूज होता है, और ग्रुप बाय को यदि आपको यूज करना है तो हमेशा आप उसको एग्रीगेट फंक्शन के साथ भी यूज करते हो। तो काउंट एग्रीगेट फंक्शन है, हैविंग कंडीशन के लिए स्पेसिफाई किया। तो 2 से ज्यादा कंपनी 1 कंपनी 2 को ही काउंट करा था तो बस यही आपका आउटपुट आ गया। कंपनी 3 को काउंट नहीं किया क्योंकि 2 से ज्यादा बोला है ना, 2 से ग्रेटर। नल वैल्यूज भी काउंट होगी, स्टार दिया है तो ओके, ध्यान रखना इस चीज को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन अगेन और में दिया हुआ है आपको, जो अभी हमने डिस्कस किया उसी के और में एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। सो सेम डेटा पर बेस्ड ये क्वेश्चन आपका प्रोडक्ट वाली डेटाबेस टेबल पर ही देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्वेरी लिखी है सिलेक्ट सम ऑफ कॉस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल। अब प्रोडक्ट टेबल से क्या काउंट करना है, सम काउंट करना है, किसका, कॉस्ट का। तो टेबल में देखो कॉस्ट कॉलम कहाँ है, ये कॉस्ट कॉलम है। कॉस्ट कॉलम में जितनी भी कॉस्ट दी हुई है सभी का सम कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। किस फंक्शन की मदद से, सम फंक्शन की मदद से। तो आउटपुट क्या लिखकर आ जाओगे, सभी कॉस्ट को प्लस कर देना तो आपका आउटपुट आ जाएगा। ओके नेक्स्ट सिलेक्ट सम ऑफ कॉस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल, कंडीशन दे दी वेयर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 3, जहां पे क्वांटिटी 3 से ज्यादा होगी सिर्फ उन्हीं कॉस्ट वाले कॉलम की कॉस्ट को प्लस करना है। तो देखो टेबल क्वांटिटी 3 से ज्यादा, तो क्वांटिटी 3 से ज्यादा यहाँ पर है और यहाँ पर है और यहाँ पर, मतलब आइटम 4 आइटम 7 आइटम 10 इन्हीं की क्वांटिटी 3 से ज्यादा है तो इन्हीं की कॉस्ट को क्या करना है, सिर्फ प्लस कर देना है 50 150 120। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज 320। ओके प्लस कर लेना, फाइन, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो सिलेक्ट जो स्टेटमेंट है वो उसमें आप जब नॉर्मल कंडीशन स्पेसिफाई करते हो तो वेयर का यूज कर लेते हो, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन इसी में हमने देखा और वाले में कि ग्रुप बाय के साथ कंडीशन स्पेसिफाई करनी होती है तो हैविंग का यूज करते हैं। तो हैविंग और वेयर में भी डिफरेंस आता है, प्रीवियस सैम्पल पेपर्स में देख चुके हैं हम। सिलेक्ट सम ऑफ कॉस्ट, अगेन सम करवाना है कॉस्ट का फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल, जहां पे क्वांटिटी 3 से ज्यादा है, ग्रुप बाय। अब यहाँ पे ग्रुपिंग भी कर दी भाई कंपनी के अकॉर्डिंग, समझ में आई मेरी बात। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कंपनी देखनी है, ओके क्या कंपनी की ग्रुपिंग हो जाएगी, कंपनी 1 2 3 की अलग अलग कंपनी की ग्रुपिंग होगी। अब इसके अकॉर्डिंग कॉस्ट आपको देखनी है और उसमें भी 3 से ज्यादा जहां पर क्वांटिटी होगी। ओके सो कुल मिला के इस तरीके से आउटपुट आपका जनरेट होगा। फोर्थ देखो सिलेक्ट कंपनी सम कॉस्ट प्रोडक्ट मास्टर ग्रुप बाय कंपनी हैविंग सम ऑफ कॉस्ट ग्रेटर देन 170। अब यहाँ पे जहाँ पे हर एक ग्रुप में सम यदि 170 से ज्यादा आएगा तो उस कंपनी का सम कैलकुलेट करें, या 170 हो या 170 से ज्यादा हो। तो अभी हमने यहाँ पर देखा ना सम कैलकुलेट हो रहा था प्रीवियस क्वेश्चन में 150 170। सो यहाँ पे जहाँ पे 170 या 170 से ज्यादा हो उन्हीं कंपनी का। तो कंपनी 1 और कंपनी 3 इनके दोनों के जो कॉस्ट के सम होंगे वो 170 या 170 से ज्यादा होंगे। कंपनी 2 का 150 लेस सम आ रहा है। ओके सिलेक्ट एवरेज, अब एवरेज निकलवाना है कॉस्ट वाले कॉलम का ही फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल। तो प्रोडक्ट टेबल में जो कॉस्ट वाला कॉलम है उसका सम होगा सभी कॉस्ट का, और एवरेज फंक्शन उसका एवरेज कैलकुलेट करके देगा जैसे सम फंक्शन ने सम करके दिया। सो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, हर एक चीज एकदम स्टार्टिंग से आप बोलो कंडीशन लेवल तक है ना समझाइए यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो यदि आपको बेसिक क्वेरी आती है तो आप इन सभी क्वेरी का आंसर इजिली कर पाओगे। फाइन, आउटपुट बताना है जस्ट, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सैंपल पेपर, क्वेश्चन नंबर 35। क्या दिया हुआ है, संयुक्ता इज द इवेंट इंचार्ज इन स्कूल। संयुक्ता स्कूल की इवेंट इंचार्ज है। वन ऑफ हर स्टूडेंट्स गेव हर अ सजेशन टू यूज पाइथन पेंडास। उसके एक फ्रेंड ने उसे सजेशन दिया कि पाइथन पेंडास का यूज करे, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज करना चाहिए फॉर एनालाइजिंग और विजुअलाइजिंग डेटा। शी हैज क्रिएटेड अ डेटा फ्रेम स्पोर्ट्स डे। अब उसने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया स्पोर्ट्स डे नाम से, ठीक है, जिसमें फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड प्राइजेस वॉन बाय डिफरेंट हाउसेज इन वेरियस इवेंट्स। अलग अलग इवेंट्स हैं और फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइजेस कितने हाउसेज ने कितने जीते हैं उसका रिकॉर्ड उसने मेंटेन किया है। सो यहाँ पे देखो हाउस फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये डेटा फ्रेम के कॉलम इंडेक्स हो गए, ठीक है। इसके बाद देखो चनाब, गेंग्स, गंगाज, जमुना, झेलम, रवि, सतलुज ये हो गए हाउस के नेम। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइस की वैल्यूज आपको दिख रही है, तो ये हो गई आपके डेटा फ्रेम की वैल्यू, है ना। ये क्या हो गई? डेटा फ्रेम की वैल्यू। और 0 1 2 3 4 5 ये आपके डिफॉल्ट रो के इंडेक्स हो गए, ठीक है। तो रो इंडेक्स जो डिफॉल्ट होते हैं उन्हें आईलोक मैथड से एक्सेस करते हो आप, और कॉलम के जो लेबल्स के फॉर्मेट में जो इंडेक्स होते हैं उसे लोक मैथड से एक्सेस करते हैं हम, ये हमें अच्छे से पता है। और इस डेटा फ्रेम को यदि क्रिएट करना होता है तो डिक्शनरी का यूज करके आप इजिली क्रिएट कर सकते हो। ये डिक्शनरी की कीज बन जाती है और लिस्ट के फॉर्मेट में आप इन्हें डिक्शनरी की वैल्यूज के फॉर्मेट में एक्सेस कर सकते हो। ओके, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन, राइट पाइथन कमांड टू डू दी फॉलोइंग। डिक्शनरी को क्रिएट करने से लेकर उस पर कुछ फंक्शंस परफॉर्म करना है, उसके लिए कमांड दी हुई है। डिस्प्ले द हाउस नेम्स वेयर द नंबर ऑफ सेकंड प्राइजेस आर इन द रेंज ऑफ 12 to 20। क्या बताया कि यहाँ पर उन हाउस के नाम डिस्प्ले करना है जो सेकंड प्राइज वाले कॉलम में हो और साथ में प्राइस 12 से 20 हो, ठीक है। प्राइस क्या हो? 12 से 20। मतलब यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है? यहाँ पे आपको सेकंड कॉलम को सिलेक्ट करना है और रेंज क्या रखनी है आपको कि प्राइस 12 से 20 के बीच हो, मतलब 12 से ज़्यादा हो 20 से कम हो वैल्यू, है ना। ग्रेटर देन 12 लेस देन 20 किसकी वैल्यू? सेकेंड प्राइज वाले कॉलम की वैल्यू। डेटा फ्रेम डिस्प्ले करवानी है। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सो देखो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका किस तरीके से होगा, इसमें सिर्फ सिंटैक्टिकली डिफरेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सिंटैक्टिकली डिफरेंस। भाई ये तो आपको करेक्ट दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे एंड और ऑपरेटर को देखो क्या यूज किया है। सो यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज किया, इस तरीके से यूज नहीं करते हम, इस तरीके से एंड को यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें ये तीनों सही दिख रहे हैं, ये तो रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे देखो लिखने का तरीका, DF फिर स्क्वायर ब्रैकेट में नेम लिखा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और फिर ये कंडीशन लिखी, तो ये यहीं पर रॉन्ग हो गया। अगेन यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड में तो नेम लिखा है क्योंकि कॉलम का नाम हमको सिंगल इन्वर्टेड में तो एक्सेस करना होता है ना, तो ये भी रॉन्ग हो गया आपका क्योंकि देखो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट एंड कर दिया फिर से DF लगाया। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो D वाला होगा। वाई? क्योंकि डेटा फ्रेम में आप एक्सेस करने वाले हो किसको? डेटा फ्रेम के सेकंड कॉलम को जो कि सिंगल इन्वर्टेड में बकायदा लिखा है। अब इस सेकंड कॉलम में जहां पे 12 से बड़ी वैल्यू मिलेगी, ग्रेटर देन 12 एंड, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, साथ ही डेटा फ्रेम के सेकंड वाले कॉलम में से लेस देन इक्वल्स टू 20, ये खत्म हो गया यहाँ पर एंड वाला पार्ट DF का, ये कंडीशन भी ट्रू होगी। जब दोनों ट्रू होगी तो एंड क्या रिटर्न करता है हमें? ट्रू रिटर्न करता है। सो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा D। मेरी बात समझ में आई? फर्स्ट क्यों रॉन्ग हुआ, सेकंड और थर्ड क्यों रॉन्ग हुआ वो हमने देख लिया रीजन, बट D क्यों करेक्ट है वो रीजन भी हमने देख लिया। ओके, नेक्स्ट, इसी पर बेस्ड, डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स इन द रिवर्स ऑर्डर। अब रिवर्स ऑर्डर में जब रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, कौन सा फंक्शन यहाँ पर या किस तरीके से जो लिखा है वो करेक्ट होगा? सबसे पहले देख लेते हैं प्रिंट DF डबल कॉलन 1, मतलब यहाँ पर आप यूज कर सकते हो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग, पढ़ा था ना, मैंने पढ़ाया था, ठीक है, वीडियो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख सकते हो, ठीक है। आईलोक मेथड का यूज कर सकते हो या -1 इस तरीके से यूज कर सकते हो या रिवर्स फंक्शन। सो यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर होगा आपका B। और क्यों होगा करेक्ट आंसर B, बाकी क्यों रॉन्ग होंगे वो देख लेते हैं। भाई रिवर्स फंक्शन का यूज नहीं करोगे आप, ये कोई तरीका नहीं होता है, सिंटैक्टिकली रॉन्ग है। क्या है ये? सिंटैक्टिकली रॉन्ग है। यदि +1 लिखोगे ना तो रिवर्स ऑर्डर में नहीं, नॉर्मली सारी चीजें दिखेंगी, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में करना है तो हमें -1 लिखना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाओगे रिवर्स ऑर्डर में रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाओगे। आईलोक मेथड से आप क्या करोगे, रो वाइज इंडेक्सेस को एक्सेस करोगे, और यहाँ पे ये चीज जो है ये आपके रो और कॉलम को स्पेसिफाई करने के लिए होता है। और यहाँ पर कितनी स्टेप से आपको आगे बढ़ना है, पॉजिटिव बढ़ना है तो +1 लिखेंगे, निगेटिवली बढ़ना है मतलब कि आपको रिवर्स ऑर्डर में जाना है तो -1 लिखेंगे। ओके, बात समझ में आ गई? ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। नाउ नेक्स्ट, थर्ड, डिस्प्ले द बॉटम 3 रिकॉर्ड्स। अब आपको डेटा फ्रेम के बॉटम से 3 रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है। कहाँ से? बॉटम से। तो बॉटम से जब हमें किसी रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना होता है डेटा फ्रेम या सीरीज के, तो हम फंक्शन का यूज कर लेते हैं, हेड एंड टेल फंक्शन। हेड फंक्शन टॉप से रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करता है, टेल फंक्शन एंड से रिकॉर्ड को डिस्प्ले करता है, रो को डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पर देखो बॉटम से 3 रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना है, तो क्या लास्ट फंक्शन का यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं, बॉटम का नहीं, नेक्स्ट का नहीं, ये तीनों फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। हम किसका यूज करेंगे? टेल फंक्शन का। यदि यहाँ पे बोला होता बॉटम से 5 रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाओ, तो डिफॉल्ट टेल फंक्शन क्या करता है? 5 रिकॉर्ड्स को ही डिस्प्ले करता है। तो आप यहाँ पर टेल फंक्शन को स्मॉल लेटर्स में एक्सेस करना और कुछ भी नहीं लिखोगे तो 5 रिकॉर्ड्स मिलेंगे डिफॉल्ट। यहाँ पे अगर 3 लिखा है तो 3 रिकॉर्ड्स मिलेंगे, 2 लिखा है तो 2 मिलेंगे। जब जितना लिखोगे उतने ही मिलेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखोगे तो डिफॉल्ट 5 रिकॉर्ड्स ही मिलेंगे। और यूज कैसे करना है टेल फंक्शन को? स्मॉल लेटर में। इसी तरीके से बॉटम की जगह टॉप बोला होता तो हेड फंक्शन का यूज कर लेते हैं। समझ में आया? एच यहाँ भी स्मॉल आता है क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमने प्रीवियस सैंपल पेपर्स में देखे हैं। ठीक, समझ में आ गया? नेक्स्ट 35 का अगेन आपको और का क्वेश्चन, जैसे कि सेक्शन ई में चॉइस मिलना है आपको। 34 35 क्वेश्चन में देख लिया आपने। अब इसका लास्ट सेम आपके पास में डेटा फ्रेम है, अगेन वही संयुक्ता वाला क्वेश्चन है, वही स्पोर्ट्स की डेटा फ्रेम है। अब इस पर बेस्ड क्या क्वेश्चन है? राइट पाइथन कमांड्स टू डू दी फॉलोइंग। पाइथन कमांड्स लिखी हुई है, इसका आपको आउटपुट बताना है। ठीक, चूज द करेक्ट आउटपुट फॉर द गिवन स्टेटमेंट। क्या कमांड आपके पास लिखी हुई है? ध्यान से देखो, एक्स इक्वल्स टू df डॉट कॉलम्स। क्या यूज करा है यहाँ पर? कॉलम्स को आपको एक्सेस करना है और स्टार्ट और एंड स्पेसिफाई किया हुआ है। स्टार्ट और एंड स्पेसिफाई किया हुआ है। प्रिंट करवा लिया आपने एक्स की वैल्यू, तो कौन से कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो आप यहाँ पे? करेक्ट आंसर होगा आपका 0। ना ही आपको नेम मिलेगा, ना ही आपको फर्स्ट मिलेगा, ना ही आपको कोई एरर मिलेगी, क्योंकि डिफॉल्ट जो इंडेक्स होते हैं कॉलम के भी ना, वो भी 0 1 2 3 होते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसके अकॉर्डिंग आप देखो यहाँ पर इस टेबल में 0 1 के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो ये 0 पे है, ये 1 पे है। राइट, समझ में आ रहा है? सो स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी? डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग पोजीशन होगी, ये तो एंडिंग पोजीशन होगी, स्टार्टिंग पोजीशन 0 होगी, तो 0 हमें आंसर मिल गया। लेबल तो मिलेगा नहीं क्योंकि हम यहाँ पर इंडेक्स जो यूज कर रहे हैं, जो आपके कॉलम इंडेक्स है, वो डिफॉल्ट इंडेक्सेस का यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, विच कमांड विल गिव द आउटपुट 24। अब इन कमांड्स में से सही आंसर बताना है कि कौन सी कमांड 24 आउटपुट देगी आपको। तो 24 आउटपुट आपको df डॉट साइज, df डॉट शेप, df डॉट इंडेक्स या df डॉट एक्सिस। सो सभी को जान लेते हैं हम। शेप जो है वो आपको डेटा फ्रेम का शेप रिटर्न करेगा, कितने रो है कितने कॉलम है। साइज एक्चुअल साइज रिटर्न करेगा शेप का, कि सपोज 4 कॉलम 3 रो है तो 4 3 12 12 साइज की डेटा फ्रेम है। इंडेक्स आपको इंडेक्सेस देगी, रो इंडेक्सेस ना, 0 1 2 3 4 5 जो थे वो, और एक्सेस आपको बताएगी कॉलम और रो एक्सेस का। तो यहाँ पर हमें 24 चाहिए, तो पहले डेटा फ्रेम देख लो भाई। डेटा फ्रेम में 1 2 3 4 4 कॉलम है और 5 रो हैं। ठीक है, सॉरी 6 रो हैं, तो 6 4 जा 24 कौन बताएगा? सो साइज एट्रीब्यूट से हमें पता चलेगा कि टोटल डेटा फ्रेम का साइज क्या है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा 6 रो है और 4 कॉलम है। राइट, तो 6 4 जा कितना हो गया? 24। तो यहाँ पर इस शेप के अकॉर्डिंग आपको 24 साइज रिटर्न होगा। डेटा फ्रेम का साइज एट्रीब्यूट साइज रिटर्न करता है, शेप एट्रीब्यूट आपको रो और कॉलम के अकॉर्डिंग शेप रिटर्न करता है, इंडेक्स आपको रो इंडेक्स शो करेगा, एक्सेस आपको कॉलम इंडेक्स शो करेगा, एक्सेस बताएगा। ओके, सो ये सारे एट्रीब्यूट्स इस तरीके से यूज होते हैं। सो 35 क्वेश्चन हमने देख लिया, 34 भी हमने देख लिया किस तरीके से चॉइस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो आज का सैंपल पेपर भी होप आपको अच्छे से समझ में आया, जिसमें हमने देखा कि आपकी बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग हर चैप्टर से किस तरीके से सेक्शन वाइज क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप एक्सेस कर सकते हो यूट्यूब से भी, साथ ही आप इसे हमारी वेबसाइट magnetbrains.com से भी एक्सेस कर सकते हो, और अब तो मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो। सभी जगह से 100% फ्री आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाने हैं। मैग्नेट ब्रेन्स ना सिर्फ K-12 बल्कि आपको CET, IIT, JEE, NEET, यूपी बिहार बोर्ड, बैंक, SSC, UPSC, जैप कैप जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कराता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद दी हाई क्वालिटी एजुकेशन। सो क्यों कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना है जब सारी चीजें आपको द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स पे अवेलेबल है। तो यदि हमारी कुछ लेटेस्ट न्यूज़ को एक्सेस करना है तो आप एक्सेस कर सकते हो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पेज को भी। इसी तरीके के सैम्पल पेपर्स को यदि बुक्स और ई बुक्स के फॉर्मेट में एक्सेस करना चाहते हो, एमसीक्यूज़ को बुक ई बुक के फॉर्मेट में एक्सेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप एक लिंक खुलेगी, उसके ऊपर आपको गूगल फॉर्म दिखेगा, उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना तो बुक्स ई बुक्स को एक्सेस कर पाओगे। क्योंकि अब मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए हर सब्जेक्ट के लिए बुक्स ई बुक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। सो मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए क्योंकि आपको यहाँ पर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल रही है ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट न्यू सैम्पल पेपर के साथ। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।